एनसी टीवी के टॉक शो हकीकत क्या है, जबरन तब्दीली मजहब व नका और नौजवानों की जिम्मेदारी नए सिलसिले के साथ। मैं सैमसन जावेद और मेरे साथी मेजबान फादर मानवेल नज़ीर मानी तमाम एक्टिविस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। आज 9 नवंबर की सुबह तमाम मसीही कम्युनिटी और सियासी क़यादत की मौसर आवाज़ की ही वजह से कराची सिंध हाई कोर्ट ने आरजू राजा को माइनर तस्लीम करते हुए इसे जबरी तब्दीली मज़हब में तमाम सहूलत कारों को शामिल तफ्तीश का हुक्म देते हुए 2 हफ्ते बाद की तारीख मुकर्रर की है। याद रहे कि इसमें वफाक का वजीर भी, वफाक का वकील और दूसरे मुस्लिम वकील भी खड़े थे, जिसकी वजह से ये मौसर आवाज हुई। नाजरीन, खुदा का शुक्र है कि हमारी कम्युनिटी में सोशल एक्टिविस्ट्स और सहाफियों की कमी नहीं, मगर इस गनोने फेल को ख़त्म करने के लिए हम सबको ग्रास रूट से काम करने की ज़रूरत है। हकूमत का किरदार कानून साजी, पुलिस और इंसाफ देने वाले अदारे या सेमिनार्स या टॉक शो अपनी जगह, मगर हमें चाहिए मजहब या सियासी या सहाफी या सोशल एक्टिविस्ट हमें आगही और शोर देने के लिए दुरुस्त सम्मत का तयन करना पड़ेगा। शहरों में या इसके गिर्दो नुआ में सोशल मीडिया की वजह से ऐसे केसेस हाईलाइट हुए जो किसी नतीजे पर पहुंचा, मगर जो सेनेटर या इसको कह लें जो कमेटी एक बनी थी उसके नूरुल हक काकड़ का ये कहना कि जो शिद्दत का इजहार किया जा रहा था वो शिद्दत नहीं, और शिद्दत इसलिए नहीं जो आज हम काशिफ नवाब हमें बताएंगे कि जो दूर दराज ऐसे इलाके हैं जहां पे दबाव इतना प्रेशर होता है उस खानदान पर या पुलिस का प्रेशर होता है, या वो मारे शर्म के या अपनी इज्जत के लिए वो हाईलाइट नहीं कर पाते या किसी तक नहीं पहुंच पाते या उनके पास सोर्स नहीं होते, दूसरे मानों में कह सकते हैं। तो यही सवाल जो है पूछने के लिए मुख्तसर काशिफ नवाब साहब, आप काफी अरसा से इस फील्ड में हो, काफी आना जाना है, आप ये बताओ कि वहां पे हम अपनी मौसर आवाज कैसे बना सकते हैं, कैसे हमारा नेटवर्क मजबूत हो सकता है कि जो दूर दराज। हाला एक और बात का भी मैं यहाँ कहता जाऊं कि ये जबरी तब्दीली मजहब जो है वो बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और एक बात का जरूर ख्याल रखा जाए कि जो मुस्लिम एक बच्चा है उसको यही सबक दिया जाता है कि जो गैर कौम है उसको मुस्लिम बनाने का बहुत बड़ा सवाब है, बहुत बड़ी नेकी है, आपको जन्नत जहां जन्नत मिलेगी वहां और कुछ भी है, इसलिए इन सब का जो है वो हमें हल निकालना है। जी काशिफ नवाब साहब, आप अच्छे, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? जी बहुत शुक्रिया सैमसन साहब, आपने पाकिस्तानी माशरे की बुनियादी जो मसाइल हैं उस पर निशानदेही करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में जबरी तब्दीली मजहब जो है ये एक ऐसा माइंड सेट है जो पाकिस्तान में जिनका तल्लुक एक खास तबके से है, खास फिरके से है, वो ये समझता है कि हम पाकिस्तान में जो मजहबी कलीसें हैं, हिंदू हैं, मसीही हैं या दूसरी मिनोरिटीज हैं, उनकी बच्चियों को वर्गला फसला कर उनको इस्लाम कबूल कराया जाए, फिर उनके साथ शादियाँ की जाए और उनसे बच्चे पैदा किए जाए, ये एक ऐसा माइंड सेट जो मौजूद है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस जो बढ़ती सूरत हाल जो पाकिस्तान में जो एक तशवीशनाक सूरत हाल है जबरी तब्दीली मजहब के हवाले से, इस पे हमारी जो रियासत है, हमारी जो हुकूमत है वो इस पे खामोश है। अब
आपने अगर आरजू राजा केस की बात की है तो आरजू राजा के केस में सूरत हाल कुछ बेहतर इसलिए आई है क्योंकि सिंध के अंदर चाइल्ड स्टेन मैरिज एक्ट मौजूद है, जहां पर उसमें ये कहा गया है कि 18 साल से कम बच्चे की शादी नहीं हो सकती, और जिसकी वजह से हमें वहां थोड़ा रिलीफ मिला है। लेकिन मैं वापस आता हूँ उसी तरफ के पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, ऐसी मसीही वादियां हैं जहां पर मसीही बच्चियों को जबरी तौर पर उनका मजहब तब्दील कराया जाता है या मजहब तब्दील कराने की तरफ रागब किया जाता है। जब वो कर लेती हैं तो फिर उनके साथ शादियां कर ली जाती, लेकिन मसला यह है कि वो लोग, वो खानदान जो माशरे के बड़े डिफाइड खानदान है, जो बड़े डेस्टिट्यूट है, जो अपनी रोटी रोजी के मामला को चलाते हैं, उनके लिए इतने, उनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपनी बेटियों के लिए अदालतों में जाएं, थाने कचहरियों में जाएं, और हमारा जो निजाम अदल है वो बहुत बसीदा निजाम है जिसमें आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल पाता। ये जबरी तब्दीली मजहब की बात नहीं मैं कर रहा ओवरऑल, लेकिन जब आप खास तौर पर मजहबी जबरी मजहबी तब्दीली की बात करते हैं तो उस पर तो बिल्कुल खामोशी आ जाती है। आप अदालतों को देख लें, आप पुलिस को देख लें, आप जो लाइन डिपार्टमेंट है उनको देख लें, आपको इन तमाम जगह पर ऐसे माइंडसेट मिलते हैं जो बजाय कि ऐसे लोगों की मदद की जाए, जिनको साथ लेके चला जाए, जिनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए, उस तरफ जाने की बजाय वो अपने सवाब की जो आपने बात की है उसके लिए सोचते हैं, वो अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए सोचते हैं, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में मजहबी जो जबरी तब्दीली मजहब जो है उसके केसेस बढ़ रहे हैं। और ये इसका अभी तक हमारे पास कोई ऐसा डाटा तो नहीं है जिसपे हम केस बात करें, बल्कि मैं समझता हूँ कि आपके इस चैनल की वसासत से मैं उन तमाम समाजी इदारों को ये कहूंगा कि आप प्लीज इसका कोई डाटा बेस बनाए कि पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर हिंदू बच्चियों और क्रिश्चियन बच्चियों का कोई डाटा मिले ताकि हम ये बात कर सके। लेकिन हमारे पास एक डाटा है जिसमें चीजें शेयर की गई हैं, लेकिन वो डाटा जो सदका नहीं है, और हम समझते हैं कि एक ऐसा डाटा मौजूद हो जिसमें मसाइल की निशानदेही की जा सके, उन केसेस की निशानदेही की जा सके जिसके अंदर जबरी तौर पर लोगों को मजहब को तब्दील कराया गया, और इसमें सान जो है वो टारगेट जो है वो छोटी बच्चियां हैं जो 13 साल की हैं, जो 12 साल की हैं, जो 15 साल की हैं। आप देखिए कल परसों फैसलाबाद के अंदर फरा शहीन जो है, बच्ची जो 12 साल की है, उसका एक वाकया पेश है जिसमें वो लड़का जो है उसकी 35 साल एज है। इसी तरह आप देखिए हमारे पास भावलपुर में एक वाकया हुआ था सुंदस आमिर का, जो छोटी बच्ची थी 13 साल की, जिसको जबरी तौर पे मजहब तब्दील कराया गया। और बदकिस्मती ये है कि मजहब तब्दील करने के बाद वो बच्चियां जो है वो वापस नहीं आ पाती। काशिफ ये तो हकीकत है सबको, मेरा ये कहने का मतलब था या अभी तक आपका ये जवाब नहीं आया कि ये हम उस जगह पे कैसे पहुंच सकते हैं या उन लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि आप केस रजिस्टर कराओ या वो इस काबिल हों कि वो आसानी से उनकी दस्तरस हो। ये पैनल आज हमारे साथ इसीलिए है, ये हमारे साथ करेगा उसकी तरफ आए। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि देखिए मैं ये समझता हूँ कि लोगों को एक तो रियासत कैसा आइन बनाने की जरूरत है कि आम आदमी जो है इस तरह का वाकया थाने में लेके जाता है या कोर्ट में लेके जाता है तो उसको वहां पर रिलीफ मिले। हमारे यहाँ इस तरह का सिस्टम बिल्कुल मौजूद नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे चर्च लीडरशिप को, हमारी सियासी लीडरशिप को इसमें एक अपना अहम किरदार अदा करना चाहिए, करना पड़ेगा, ताकि वो ऐसे एरियाज में जहाँ पे रिमोट एरिया पाकिस्तान के हैं, जो डिप्राइव्ड एरियाज हैं, डिप्राइव्ड कम्युनिटीज हैं, उनके अंदर ये बात उनको साथ कोऑर्डिनेशन की जाए। अगर वहां पर इस तरह का वाकया होता है तो उनको साथ लेके चला जाए, उनको मदद की जाए, उनको पैरालीगल सपोर्ट दी जाए, उनको लीगल सपोर्ट दी जाए जिसके जरिए से वो उनकी दादरसी हो सके। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ लोग जो है पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए वो आईनी बातों को समझ नहीं सकते या समझ नहीं पाते कि हमें कहाँ पे जाना है, किससे बात करनी है। इसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो है वो चर्च है, और दूसरा हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो सियासी जमातें और सियासी लीडरशिप है, और तीसरा हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है वो समाजी इदारे हैं जो समाज में तब्दीली का ख्वाब देखते हैं, और मैं समाज में तब्दीली के लिए अपनी जो एफर्ट्स हैं वो छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे कर रहे हैं। हम उन तमाम अदारों को इसमें एंगेज करना पड़ेगा, और जो रियासत को इन तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए एक एक ऐसा लॉ बनाने की जरूरत है नेशनल लेवल का हो, जिसमें इन तमाम ऐसे वाकयात को सख्ती से निपटा जा सके,
और ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके और लोग फ्रीली थाने कचहरी में जा सकें, अपना मसला बयान कर सकें, और वो जो केस है जो जबरी तब्दीली मजहब के हैं वो रिपोर्ट। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, फिर आपकी खिदमात हासिल करेंगे, आप बात करेंगे जो नेक्स्ट रहता है। तो फादर मानुअल नज़ीर बानी साहब, अगले हम अपने पैनलिस्ट से जो है वो सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी जी फादर जी, जी सैमसन जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जितने लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि आज का टॉक शो जो है ये बहुत अहम है। ये ऐसा मौजू है जो मुसलसल हम जिसको डील कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी हतमी नतीजे तक पहुंच सकें, उन वजूहात को जान सकें जो कि जबरन तब्दीली मजहब को आगे बढ़ा रही हैं। हमारी ये कोशिश जो है, न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCNTV जो है, आप सब जानते हैं, हम आपके मशहूर भी हैं कि आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल को, क्योंकि हम व्यूअरशिप जो है उससे देख सकते हैं कि आप इस चैनल को पसंद करते हैं, क्योंकि इस पे हम जो पैनलिस्ट हैं वो लेके आते हैं जो माहिर हैं अपने अपने फील्ड में, और जो अपने तजर्बात की बुना पर जो सोल्यूशन जो है वो देते हैं। तो आज भी जो मौजू है, जैसा मैंने कहा कि बहुत ही अहम है, जैसा कि सैमसन जावेद साहब ने उसका इंट्रो भी दिया, जबरन तब्दीली मजहब और निकाह और मसीही नौजवानों की जिम्मेदारी। मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ नौजवानों की बल्कि लीडरशिप की, उसमें समाजी लीडरशिप हो सकती है, मजहबी, सियासी, हर शख्स की। हर वो शख्स जो बपतिस्मा याफ्ता है, जो यीशु मसीह का पैरोकार है, खुदा यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा मानता है, उसकी ये जिम्मेदारी आज कि वो सोचे कि हमने क्या करना है, क्या लाहे अमल होना चाहिए हमारा, ताकि ये जो वाकयात हैं इनकी रोकथाम की जा सके। तो हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं, मैं उनको खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। हमारे साथ हैं नोरीन अख्तर हैं, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं। नोरीन, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। फैसल अलियास हैं, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं। फैसल, वेलकम, वी वेलकम यू। हाँ जी। थैंक यू सो मच। उज्मा पॉल हैं, उज्मा पॉल जो है वो भी समाजी कारकुन है, फील्ड में बहुत उनका काम है। उज्मा, वी वेलकम यू ऑन NCNTV। और अयाज मोरस, वो भी पहले हमारे साथ आ चुके हैं, फैसल भी, और गुफ्तगू हम कर चुके हैं। तो मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। अयाज मोरस जो है वो भी सोशल एक्टिविस्ट है। तो काइंडली अपने जो माइक जो है वो भी, जब मैं कहूंगा उस वक्त आप खोल सकते हैं, जब हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहेंगे। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है। आप अगर देखें अकलियतों को, जिसमें हमें समझना तो नहीं चाहिए हमें अकलियत, लेकिन कहा जाता है, एक तरफ मेजोरिटी है और एक तरफ हम है। जो मसीही है खासतौर पर पाकिस्तान में, उनकी एक तारीख है, उनका एक कंट्रीब्यूशन है जो कि बड़ा वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन है। वो खास तौर पे तालीम के शुबे में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप देखें जो हमारे तालीमी अदारे हैं, उनसे जो लोग जिन्होंने तालीम हासिल किया है वो पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े जो मरतबे हैं उन पे फायज हैं, और हमें ये फख्र है इस बात पे जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, ना सिर्फ तालीम में बल्कि बहुत सारे शुबे उसमें हम देख सकते हैं कि तिब है, उसके बाद जो फौज है उसमें भी हमारी कंट्रीब्यूशन है, और इसके अलावा बहुत सारे शोभा जाजियों में, अभी सबका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वी हैव अवर कंट्रीब्यूशन। हम इस धरती के बेटे और बेटियां हैं, हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और बराबर के शहरी हैं, क्योंकि ये वतन जो है, ये जो मुल्क जो है, ये जब बन रहा था, जब तहरीके पाकिस्तान में, तो हमारे जो अबाओ अजदाद हैं, जो कायदीन हैं, उन्होंने कायदे आजम और दूसरे जो कायदीन थे तहरीके पाकिस्तान के, उनके साथ मिलकर बराबर का हिस्सा लिया था, और जाने कुर्बान की हुई हैं लोगों ने इस मुल्क के लिए। लेकिन आज हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि मजहब जो है वो किसी भी शख्स का बड़ा जाती मामला होता है। हमें अपना मसीही मजहब प्यारा है। जब हमारी किसी भी बेटी को उसका मजहब तब्दील करवाया जाता है तो हमें भी दुख होता है, हमें तकलीफ होती है। हम भी खुदा यीशु मसीह के मानने वाले हैं, जिंदा यीशु के मानने वाले हैं। कोई भी चीज जो खुदा यीशु मसीह के और हमारे दरमियान आती है, चाहे वो कोई पैसा हो, लालच हो, कोई मादी चीज हो, मटीरियलिस्टिक हो, हमारे लिए वो कुछ
कोई मानी नहीं रखती, इसलिए कि हम जिंदा यीशु के मानने वाले हैं जिसने हमारी खातर जान कुर्बान की। तो आज जो हमारा जो मौजू है ये थोड़ा सा हटके है, क्योंकि जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो सारे सामाजिक कारकुन हैं, फील्ड में उनका बहुत सारा काम है। तो जो हमारी जो गुफ्तगू है वो हम इस हवाले से उनसे करेंगे कि एक तो मैं फैसल आपके आपसे शुरू करना चाहता हूँ। फैसल, जैसा आपकी बड़ी गहरी नजर है जो मौजूदा वाकयात हैं फोर्स्ड कन्वर्जन के, एक तो काइंडली ये आप बताइए कि ये वाकयात क्यों बढ़ रहे हैं इस तरह, क्या वजह है कि ये खासतौर पर एक तरफ मौजूदा हुकूमत है जो कि इस बात को कहती है कि जो अकलीतें हैं जो वो उनको बराबर के हकूक हासिल हैं, और जब वो रियासत मदीना की बात करते हैं कि जिसमें सबके साथ इंसाफ होगा, सब जो है वो बराबर के शहरी हैं, लेकिन ये कहने की बातें हैं और मौजूदा तौर पे हमारे लिए लम्हा फिक्री है। तो काइंडली ये आप बताइए कि ये क्या वजूहत है, ये किस क्यों इस तरह के ये जो वाक्य जो हैं रहे हैं। जी जी, थैंक यू सो मच फादर जी हैविंग मी हियर, और सैमसन साहब और सारे पैनलिस्ट को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, और जितने हमारे व्यूवर्स हैं जो हमें देख रहे हैं उन सब के लिए भी ग्रीटिंग्स। आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, और लेट मी टेल यू, जो आरजू का केस है, आरजू राजा का केस है, ये पहला केस नहीं है और अनफॉर्चुनेटली आखिरी भी नहीं है जिस तरह की प्रैक्टिसेस चल रही हैं पाकिस्तान। और जहाँ तक आपका सवाल है कि ये केसेस दिन ब दिन क्यों बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल में ये केसेस एक अरसे से हो रहे हैं और ये इश्यूज एक अरसे से यहाँ पे होते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी जैसे हम देखते हैं मीडिया बहुत एक्टिव है, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स बहुत एक्टिव हैं, एनजीओ वर्क बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से शायद अब ये केसेस रिपोर्ट होते हैं या सामने आ जाते हैं। ये केसेस के होने की जहाँ तक बात है वो बहुत अरसे से हैं, लेकिन हम इस बात का क्रेडिट मीडिया को देते हैं, सोशल मीडिया को खास कर देते हैं, और अपने उन तमाम लोग एक्टिविस्ट्स को जो इस तरह के केसेस को रिपोर्ट करते हैं। और जैसे कि हमारी पूरी टीम है पूरे पाकिस्तान में जो डिफरेंट इलाकों में अपना रोल प्ले कर रहे हैं एज ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, तो क्रेडिट गोज टू देम कि आज हम इस इशू पर बात कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता ऐसे लोग जो ह्यूमन राइट्स को डिफेंड कर रहे हैं या जहाँ भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है उसको रिपोर्ट करते हैं, अगर वो ना करते तो शायद आज हम इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज ही ना कर पाते। सो मसला ये है कि ये चीज़ें अब हमारे सामने आती जा रही हैं और एक अरसे से हो रही हैं, अभी वक्त है कि हम सब इकट्ठा हों, एक जॉइंट फोर्स के साथ इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। जिस तरह से आरजू राजा को हम अदालत में लेके आए, लेजिस्लेशन बाकायदा तौर पे शुरू हुई, और आज हम सब के लिए एक अच्छा दिन है, एक अच्छी खबर सुनने को मिली है कि बाकायदा तौर पे जो भी मुजरिम है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक जो कानून बना है उसके मुताबिक उसको सज़ा मिलेगी, एंड वी प्रे फॉर दिस के उसको सज़ा मिले और आरजू राजा को इंसाफ मिले, ताकि वो तमाम लोग जो इस तरह का माइंडसेट रखते हैं कि 4% माइनॉरिटीज़ को भी ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान 100% मेजॉरिटी रिलीजन के साथ सामने है, जो कि एक बहुत ही गलत सोच है। और हम देखते हैं कि डे बाय डे अगर ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं, देर आर मेनी रीजंस जो लेटर ऑन इस पे हम बात करेंगे कि उसकी रीजंस क्या हैं। सो आई थिंक ये एक वैलिड पॉइंट है कि इस तरह के केसेस इसलिए ज़्यादा हमें सुनने को मिल रहे हैं या देखने को मिल रहे हैं क्योंकि वो रिपोर्ट हो रहे हैं, और अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ये केसेस हो रहे हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं हो रहे। सो न्यूकैसल क्रिश्चियन नेटवर्क की मदद से जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ इस वक्त पहुँच रही है, मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके इलाके में, अगर आपके गिरदोनवाह में कोई ऐसा वाक़या होता है, वो ये हम सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे, हम सारी कम्युनिटीज़ की बात कर रहे हैं, हम रिलीजन से हट के ये बात कर रहे हैं कि वो हिंदू हो, वो सिख हो, वो क्रिश्चन हो, वो कोई मुस्लिम कम्युनिटी की बच्ची हो जिसके साथ ज्यादती हो, तो हमें रिपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि जब जब तक हम जुल्म
के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तब तक वो जुल्म होता चला जाएगा। सो इट्स वेरी गुड जहां भी हमारी ये आवाज पहुंच रही इस चैनल की वजह से, काइंडली आप जरूर रिपोर्ट करें, और जहां भी ऐसा वाक्य होता है वो आप अपने करीबी थाना में जाएं। और अभी तो 2000 ये जैनब अलर्ट के नाम से 2018 में ये एक बहुत अच्छा कानून बना है, जिसकी वजह से जब आप किसी भी थाने में जाते हैं, किसी भी लोकल पुलिस स्टेशन में जाते हैं, तो वो रिपोर्ट करते हैं और वो फेडरल तक न्यूज़ जाती है और उसके ऊपर बड़ी तेज़ी से अमल दरामद। तो इट्स वेरी गुड, जहाँ भी ऐसा कोई केस होता है उसको ज़रूर रिपोर्ट करें। अगर आप थाने कचहरी नहीं जा सकते, उसका आप सोशल मीडिया के जरिए से कंपेन करें ताकि ज़्यादातर लोगों को वो बात पता चले और कल्प्रिट्स बिहाइंड द बार्स भेजे जाएं। थैंक यू वेरी मच जी फैसल, बहुत शुक्रिया। नौरीन, अभी आपने फैसल को सुना, कुछ वजूहात बता रहे थे। मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे ये बढ़ते हुए वाकयात हमारे लिए तशवीश का बायस हैं, तो वहाँ पे हमें सोचना चाहिए कि हम जो है वो क्या कर सकते हैं, और ख़ासतौर पे जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो उसमें यूथ है, यंग लोग हैं, उनमें जो ईमान जो है वो कहाँ तक पुख्ता है, उनकी ईमानी तरबियत जो है वो कैसे हो रही है। तो आप क्या इस ये जो ईमानी नुक्ता नज़र से आप कैसे देखते हैं कि नौजवान वो किस तरफ बढ़ रहे हैं, क्या अपने ईमान में इस तरफ पुख्ता इस कदर पुख्ता है कि अगर कोई भी लालच उनको दिया जाए तो वो कट मरे, शहीद हो जाए, कुर्बान हो जाए, लेकिन अपना मजहब जो है उसको ना छोड़े। थैंक यू वेरी मच फादर जी। सबसे पहले तो थैंक यू मुझे इनवाइट करने का, और मैं खुश हूँ ये इस चैनल की वजह से कि बहुत सारे जो हमारे सोशल इश्यूज हैं वो बहुत सारे उन लोगों तक पहुंच रहे हैं उनके रिकमेंडेशंस के साथ, उनके हल के साथ, कि उन्हें एक आगही जो है, एक जो शऊर है जो हम बेदार करना चाहते हैं, वो आपके चैनल की वजह से किसी हद तक बहुत ज़्यादा हो भी रहा है। फैसल की बात में मैं थोड़ा सा एडिशन करके आपके सवाल की तरफ आती हूँ। फैसल ने बहुत अच्छा अब बताया कि किस तरह से ये केसेस बढ़ रहे हैं। मैं एक खातून होते हुए इसको इस तरह से भी देखती हूँ, क्योंकि मैं पिछले 13-14 साल से ह्यूमन राइट्स पे काम कर रही हूँ, कि पूरे का पूरा जो हमारा मुल्क है, ये मुआशरा जो है, ये एक पिदरसरी निज़ाम है, जहाँ बहुत सारे मसले मसाइल में से सबसे जो पहला मसला मुझे नज़र आता है कि यहाँ एक गैर मुसावी और जो एक ना बराबरी है मर्द और औरत के दरमियान, ये बहुत सारे मसाइल को पैदा कर रहा है। आर्टिकल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 25th है, वो इक्वालिटी फॉर ऑल को इंश्योर करता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी इनइक्वालिटीज में, जहां हम मजहब, क्लास, सिंफ की बात करते हैं, तो औरतों के साथ ये जो फोर्स कन्वर्जन सिर्फ औरतों के साथ होती हैं। अगर आप थोड़ा सा रिकॉर्ड देखें, इसमें मर्दों की जो फोर्स कन्वर्जन हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये सिंफ की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा हो रही है, के 12 साल से लेकर 25 साल तक की जो नौजवान ख्वातीन हैं, वो जिंसी तौर पर, मैं इसको कभी भी कन्वर्जन के जुमरे में नहीं समझती, ये सरासर एक जिंसी वॉयलेंस है, सेक्सुअल वॉयलेंस है, जो इन बच्चियों के साथ और बिलखसूस मुआशरे में उन पिसे हुए तबकात की बच्चियों के साथ हो रहे हैं, जो बहुत ही हेल्पलेस हैं और पावरलेस भी हैं। उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, ना वो इंसाफ तक रसाई पा सकती हैं। तो ये एक इसकी बड़ी बुनियादी वजूहात है। और ऐसे एरियाज में ये कन्वर्जेंस होती हैं, फोर्स मैरिजेस होती हैं, जहां लोगों को शायद कानून तो बहुत दूर की बात, उन्हें अपने हक का भी नहीं पता कि मेरा हक क्या है और मुझे कहाँ बोलना है। अभी मैं आती हूँ आपके सवाल की तरफ। आपने कहा है कि हमारे जो नौजवान हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है और वो ईमान में किस तरह पुख्ता है। काशिफ साहब ने बड़ी अच्छी बात, जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कही कि चर्च की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम बहुत दफा बात करते हैं कि नौजवानों की तरक्की के लिए हम प्रोग्राम्स करते हैं, बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, प्लान्स होते हैं, लेकिन उसमें जो एक चीज मैं महसूस करती हूँ, हम उनकी रूहानी तरक्की की बात उस नहज पे नहीं करते जहाँ की होनी चाहिए, कि उन्हें ईमान में बलोगत की तरफ हम किस तरह लेकर जा सकते हैं। किसी भी कामयाब माशरे के पीछे जो नौजवान होते हैं, उनकी रूहानी तरक्की, उनकी माशी तरक्की और उनकी माशरती तरक्की जब तक नहीं होगी, तब तक नौजवान एक हम उनको इस जिम्मेदारी के लिए तैयार ही नहीं कर सकते। सो मेरी
एक खानदान में होते हुए भी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने खानदान के बच्चों को वो तमाम ईमानी कदरें सिखाऊं अपनी जिंदगी के अमल से, सिर्फ बातों के जरिए से नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के अमल से, बाहसियत एक माँ, एक बाप, एक बहन, एक भाई, जो एक मसीही खानदान की वैल्यूज होनी चाहिए बाइबल के मुताबिक और जो भी हमारी मजहबी वैल्यूज हैं उनके मुताबिक होनी चाहिए, वो अब बहुत कम हो गई हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अभी तो देखें फिनेंशियल प्रेशर्स इतने हैं कि खानदान ही स्प्लिट हो रहे हैं, बाप बैरून मुल्क बैठा हुआ है, भाई कहीं है, बहन काम के लिए कहीं है, माँ को काम करना पड़ता है। तो वो जो ईमानी तरबियत है, वो जो रूहानी तरबियत है, ना तो वो घर में नजर आ रही है और ना ही वो कहीं कम्युनिटी में नजर आ रही है। संडे स्कूल का रिवाज खत्म होता जा रहा है, चर्चिस में देखें हम हार्डली हफ्ते में एक दफा जाते हैं, उसके बाद बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमने क्या करना है। सो वो जो ईमान की को फरोग और जिस रूहानियत की तरक्की की मैं बात कर रही हूँ वो बहुत कम होती चली जा रही है। और ये जो फोर्स कन्वर्जेंस है, ये खैर फोर्स कन्वर्जेंस है ही नहीं, इनमें तो कहीं वो नहीं है, इसके तो पीछे मकासद ही कुछ और है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे बच्चे और बिलखसूस हमारे नौजवान, बल्कि मैं तो कहती हूँ बड़े भी, कहीं ना कहीं हम स्टेटस के लिए, क्योंकि देखा जाए तो ये रियलिटी है, हमें माननी पड़ेगी कि मजहबी अकलियतें जो हैं हम मौशी तौर पर भी अभी बहुत नीचे हैं। तो हमारे बच्चों में बहुत सारी महरूमियां हैं, कभी वो अच्छी पोस्ट के लिए, अच्छी पोजीशन के लिए, बच्चियां अगर पढ़ जाती हैं मौशरों में तो उनको अच्छे केपेबल रिश्ते नहीं मिलते। बहुत सारी वजूहात हैं कि ईमान जो है वो स्टेक पे लगता है और हम अपने दुनियावी फायदे के लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए अपने ईमान को भी बेचने के लिए तैयार होते हैं। नरेन, एक मैं बात करना चाहूंगा कि जी प्लीज, अगर ये बताया जाए असल में ये जो अभी कैसे बताया जाए कि जो फाशी अड्डे हैं, हाँ जी, जो वहां पे ये जो जबरन का तशद, जबरन जो तब्दीली है मतलब, और ये उनके मकासद में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल्कुल ये बताने की बड़ी जरूरत है। और ये जिनसी तशद जो सामने आ रहा है वो वहां पे सारे पढ़े लिखे समझदार इस जुमरे में आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैंने कहा था कि इस पितरसरी मुआशरे के अंदर औरतें, देखें औरत पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, वो घर में पोछा झाड़ू करती हो या दफ्तर में बैठी कोई ऑफिसर हो, उन सबके साथ कहीं ना कहीं सेक्सुअल वायलेंस होता है, सेक्सुअल हेरासमेंट होती है। वो मुस्लिम खातून हो या क्रिश्चियन खातून हो, हिंदू खातून हो, क्रिश्चियन और मुस्लिम के केस में ये वायलेंस ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि करने वाले को भी पता होता है कि इनका मौशरती मौशी स्टेटस जो है वो बहुत नीचे है और ये कहीं भी इतनी पावर नहीं रखते। क्योंकि देखें जो हमारा सिस्टम है, पूरे का पूरा निज़ाम है, उसमें कौन बैठा हुआ है? वहाँ 99% मर्द बैठे हुए हैं और 99.9% जो हैं वो मुसलमान लोग, मुसलमान मर्द जो हैं उन सीटों पे बैठे हुए हैं। सो इन खवातीन की जो वनरेबिलिटी है, इनकी जो पावरलेसनेस है, वो बहुत बढ़ जाती है। और जब हम बात करते हैं सेक्सुअल वॉयलेंस की, सेक्सुअल वॉयलेंस जो है बहुत दफ़ा डिस्प्यूट्स की सेटलमेंट के लिए रिवेंज के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। देखें एक पड़ोसी मेरा मुसलमान है, उसकी मेरे खानदान से लड़ाई हो रही है, वो लड़ाई के बदले में कहीं ना कहीं औरत मैं ही पिसती हूँ। ये फोर्स कन्वर्जेंस में भी ऐसे ही हो रहा है कि बहुत सारे गरीब खानदान जब कर्जे के नीचे दब जाते हैं और कर्जा दे नहीं पाते तो कहीं ना कहीं फिर इन इस सारे खतरे के लिए इनकी बेटियां ही जो हैं वो भेंट चढ़ती हैं। तो ये हमें मौशरती तौर पर भी इन सारे पहलुओं पे खुल के बात करने की जरूरत है कि एक लम्हे में फोर्स कन्वर्जन नहीं हो जाती। कि देखें आरजू के केस को भी अगर बहुत आप डिटेल से देखें तो वो पड़ोसी थे, अली अजहर आरजू से मिलता था, वो जान पहचान थी, पड़ोसियों के साथ अच्छा मेल मिलाप होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी बैकग्राउंड में जाकर बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो हमें इस पॉइंट पर लेकर आते हैं कि अब आरजू को बेशक दबाव में आकर कहना पड़ रहा है लेकिन वो कह रही है बार बार कि मैंने अपनी पसंद से किया। वेल दैट्स अनदर मैटर, इस पे हम बाद में भी बात कर सकते हैं। हाँ जी नरेन, मैं एक बाकी भी सारे या नाजरीन जो वहां पे वकील थे, वकला थे, मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा है कि एक दफा वो लड़की जरूर रोई है, इस बात पे रोई है
कि जो वो गलती कर गई है। घोष ने कहा कि मैं जो है वो 18 साल की या मैं उसके पास जाऊंगी, मैं अपने माँ बाप, लेकिन उसके वो उसके मुंह पे लफ्ज ऐसे आते आते रुके हैं और वो जरूर रोई है कि जी, वो जी. गलती कर गई। जी फादर जी, जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया नौरीन फादर जी। एक छोटा सा कमेंट ऐड कर सकता हूँ मैं यहाँ? जी जी प्लीज फैसल कमेंट कीजिए। जैसे मिस बात कर रहे हैं, मिस नौरीन और सर बात कर रहे हैं कि वो बच्ची के बयान का देना या ना देना, वो तो एक अलग चीज है कि आप उसका एविडेंस ले रहे हैं या उसकी गवाही ले रहे हैं, लेकिन कानून आपको ये कहता है कि जब तक बच्ची 18 साल की नहीं है बिल्कुल वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं है कानूनी तौर पे, जो एक टर्म है कि वो अगर कहती भी है या नहीं कहती उसको अदालत नहीं सुनेगी, क्योंकि आपका कानून है कि जब तक बच्ची की उम्र 18 साल नहीं है वो इस शादी के बंधन में नहीं जा सकती, उसकी मर्जी है या नहीं है, तो वो तो फिर बाकी के बयानात उसके को मायने नहीं रह जाते। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये 100% वैलिड है, बल्कि ये तो मैं कहती हूँ कि शुक्र है खुदा का कि हमारे कवानीन में एक अच्छा कानून ये बन गया कि चाइल्ड रिस्ट्रेन एक्ट पहले सिंध में बना 2013 में, फिर बाद में पंजाब में भी बना, तो उसी के सारे पेश नज़र सारी जो उसकी शिकें हैं उसी के तहत ये केस जो है वो कामयाबी की तरफ चल रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि यही एक बुनियाद है उसकी चाइल्ड मैरिज की, कि जब तक वो 18 की नहीं है, उसकी फोर्स कन्वर्जन भी है, उसकी फोर्स मैरिज भी है, उसका अबडक्शन भी हुआ है, वो अगवा भी हुई है, बेशक वो कहे कि मैं अपनी मर्जी से आई हूं, लेकिन चाइल्ड मैरिज के अंडर हम कभी भी नहीं ये मान सकते कि वो बालिग है, तो अपनी मर्जी से अगर घर भी छोड़ना चाहती है तो फिर भी उसका कहना जो है वो मुनासिब नहीं है, मतलब कानूनी तौर पर। जी नौरीन बहुत शुक्रिया और फैसल थैंक यू, बात को आगे बढ़ाते हैं। अयाज, एक तरफ हम देखते हैं कि ये फोर्स्ड कन्वर्जन के बढ़ते हुए वाकयात हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मजहबी अकलीतें हैं उनके बहुत सारे तहफ़ुज़ात हैं इस हवाले से, इन बढ़ते हुए वाक़यात पे तश्वीश है, तो एक तो काइंडली आप ये बताइए कि जो हुकूमत है उसका क्या स्टांस है इस पे, क्या कर सकते हैं और क्या करना चाह रहे हैं, और दूसरा ये जो कन्वर्जन के वाक़यात हैं इसमें आप कसूरवार किसको ठहराते हैं, कहाँ पे लूप होल्स हैं जो जिसकी वजह से ये सारे वाक़यात जो हैं बढ़ रहे हैं। जी अयाज बिल्कुल, थैंक यू सो मच वंस अगेन फैंसल साहब का और फादर आपका। मुझे खुशी है कि जो दो पैनलिस्ट मेरे से पहले जिन्होंने गुफ्तगू की है वो बड़ी मौसर अंदाज में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो मैं कहना चाह रहा था उन्होंने उसको कही हैं, और मेरे लिए आसानी हो गई है कि मैं अपना फर्दर जो है वो एक्सप्लेन कर सकूं। जहाँ तक आपने बात की हुकूमतों की, तो ज़ाती तौर पर अगर मैं समझूँ या पाकिस्तानी मिसली अकलीतें या अकलीतें मिसली और अकलीतें भी, उनका शायद समाज से समाजी रवैयों से इतना दिल नहीं घुटता जितना रियासत की जो रवैये हैं या रियासती अदारों का जो रवैया होता है ऐसे केसेस में, वो बड़ा सवालिया होता है। यानी अगर मेरे साथ मेरा कोई पड़ोसी है जो कि गैर मसीही है और उसका कोई ऐसा इशू होता है तो वो उसकी और मेरी रंजिश हो सकती है, लेकिन कानून के अदारे रियासत के अदारों को हम दोनों को बराबर दिखना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ ऐसा नहीं होता, और जो वो रवैया है वो बड़ा जो है वो एक काबिल तश्वीश होता है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में जो इब्तदाई तौर पर रवैया है वो भी बड़ा जो है वो एक क्वेश्चनेबल था, और उसके बाद हमने जो जिक्र किया उसका जो है वो मीडिया का रवैया वो भी एक क्वेश्चनेबल था। तो जो रियासत के जो अदारे हैं जब उनकी तरफ से अकलीतों को प्रॉपर तौर पर अच्छा जो है वो एक एक आम शहरी की तरह ट्रीट नहीं किया जाता तो वो ज्यादा काबिल जो है वो तकलीफ का बायस होता है। दूसरी ये चीज है कि देखिए जो रियासत है हम उसके शहरी हैं, हम चर्च के शहरी नहीं, हम रियासत को टैक्स देते हैं, हम रियासत को बिल देते हैं, हम चर्च को चंदा अगर दे रहे हैं तो वो अपनी हम कैपेसिटी के मुताबिक दे रहे हैं। रियासत हमें ये नहीं कहती कि आपने बिजली का बिल इतना इस्तेमाल किया आपके पास जितने हैं दे दें, वो आपने देना है, आपने दीगर जो टैक्सेस हैं वो आपने पे करने हैं। इस गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रियासत की जिम्मेदारी है कि वो मेक श्योर करे कि सबसे जो निचले और पिसे हुए तबके हैं उनके लिए ज्यादा जो है वो काम किया जाए, उनको ज्यादा जो है वो फैसिलिटेट किया जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, और ओवरऑल माशरे में जो गरीब है जो पिसा हुआ तबका है उसके लिए कानून तक दीगर हकूमती अदारों तक रसाई हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। और जहां तक ये बात रही एक जो आरजू के केस की, मैं आपको बताता चलूं
कि इस केस की दो बुनियादें हैं जो जिस पर हम इस केस पे स्टैंड कर रहे हैं, और ये केस रोल मॉडल होगा, एक केस स्टडी होगा। सबसे पहली तो जो चीज इस केस में है वो नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट है। आप लाख इससे पहले कबल आपके जो मीडिया हैं, जो क्रिश्चियन मीडिया हैं, उन्होंने उसकी जो बैप्टिज्म सर्टिफिकेट भी दिखाया, उसका चर्च का, स्कूल का भी, लेकिन वो वैलिड नहीं था। वो कैसे वैलिड हुआ? आपके एक नादरा के सर्टिफिकेट की वजह से आप इस केस में फाइट कर सके हैं। दूसरी जो चीज है वो है सोशल मीडिया। अगर सोशल मीडिया पे ये केस ना आता, अगर ये केस जो है वो इतना बूम ना इसको मिलती सोशल मीडिया पे, तो शायद दूसरा मेनस्ट्रीम मीडिया इसको एक ना करता और ये केस आगे ना होता। जो तीसरी चीज जो है ये है कि जो आपने जिक्र किया कि इसको कसूरवार शायद कोई किसी एक को ठहराना यहाँ पर कोई मुनासिब नहीं होगा। मैं समझता हूँ सबसे पहले तो जिम्मेदारी वालदैन की है। हम ये सिर्फ आरजू राजा की बात नहीं कर रहे, एक ओवरऑल कम्युनिटी की, कि जब आपको पता है कि इस माशरे में आप कमजोर हैं, माशी तौर पर, समाजी तौर पर, सियासी तौर पर, हर लिहाज से आप कमजोर हैं, तो आपको चुकन्ना हो जाना चाहिए। क्योंकि आपके इर्द गिर्द, जैसे मिस नोरी ने बड़ी वैलिड बात की कि माशरे में, क्योंकि एक हमारा मर्दों का माशरा है, और वो हम लाख कहें हमारे मर्द, कभी भी औरत को चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से है, वो आजादी, वो फ्रीडम नहीं देंगे जिसकी वो उसको जरूरत है, वो आगे बढ़ने के लिए उसको चाहिए होगा। तो ऐसे लोग जो है वो टारगेट करते हैं, वो देखते हैं कि ऐसे कौन से पेरेंट है जहाँ पर ये लूप होल्स होते हैं, जहाँ ये सारे इश्यूज होते हैं। तो नंबर वन तो वालदैन की जिम्मेदारी है, उन्हें जो है वो देखना है कि उनके बच्चों का ताल्लुक, दोस्तियां, उनकी जो है वो उठना बैठना किन लोगों के साथ है, और उनकी अपनी भी जो रिश्तेदारियां हैं वो कैसे लोगों के साथ है, किन लोगों का आना जाना है। हम जिस कराची शहर में रहते हैं, यहाँ पर आपको बहुत ही मुहतात रहना पड़ता है कि आपको पता नहीं होता कि आपके पड़ोस में कैसे लोग हैं, किस तरह के लोग हैं। तो एक तो चीज ये, सेकेंडली जो दूसरी चीज है वो हमारे यहाँ जो बड़ा अलमिया है जिसको हम बहुत फोकियत दे रहे हैं कि चर्च है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से इन केसेस को नहीं समझ रहा। आप हैरान होंगे, ये जो केस है ये 13 से 20 22 तक ऐसे ही कोई भी शख्स इन वालदैन की रहनुमाई करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उनके पास इतनी सहूलियात नहीं थी कि वो जो है वो वकील हायर कर सके। तो इस वजह से ये एक देखें कि मैं समझता हूँ हमारी कम्युनिटी का भी, ना चाहते हुए भी हम जब हम कम्युनिटी की बात करते तो चर्च उसमें एक मेन फैक्टर आता है, वहां पर जो सहूलियात, जो सिस्टम था वो नहीं है। इस तरह के वाकयात जब होते हैं, ये कोई सिंगल वाकया नहीं है, जिससे पहले फैसल ने भी जिक्र किया कि बहुत सारे वाकयात हैं सोशल मीडिया पर ये जो हाईलाइट होते हैं। नंबर वन तो आपके पास ऐसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होने चाहिए, जब भी इस तरह का आपके कम्युनिटी में वाकया होता है आप उस वाकये की एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से करवाएं कि आया ये वाकये में क्या क्या है। उसके बाद आपके पास ऐसा सिस्टम हो कि आप उस फैमिली को सपोर्ट दे सकें कि हम आपको जो है वो लॉयर देते हैं, हम आपके लिए वकील करते हैं, और दीगर जो माली अखराजात हैं और आपकी सिक्योरिटी है वो हमारे जुम्मे है। और इस केस में भी हमने देखने में मिला, हमें बहुत सारे जो लूपहोल इस तरह भी रहे। तीसरी जो चीज है कि उस कानूनी कार्रवाई, कानूनी तकाजे कैसे किए जाने चाहिए। वो जो वालदैन, जो आप हमारी बस्तियों की बात करें, वहां ना फेथ है, ना एजुकेशन है, ना दीन की तालीम है, ना दुनिया की तालीम है। आप लाख कहें कि आप यूथ के लिए ये प्रोग्राम होते हैं, ये करते हैं, कुछ भी नहीं होता। आप बस्तियों में कभी जाके देखें, आज जो हालत है हमारे नौजवानों की, जो मेंटली उनकी सोच है, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, वो आपको बहुत अफसोस होगा कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं। तो वहां पर ऐसे नौजवानों से तवक्को करना कि वो अपने हकूक को जानेंगे, उनको पता होगा कि कैसे लीगल एफर्ट करनी है, कुछ भी नहीं। वो वालदैन तो वैसे ही बेचारे मर जाते हैं जिनके साथ ये इंसिडेंट होता है। तो वहाँ ऐसे हमारे समाजी और हमारे क्लिसी इदारों की जिम्मेदारी है कि वो इस केस को टेकअप करें और फिर गवर्नमेंट के अदारों पर प्रेशर डालें कि वो इस जो है वो केस में इंसाफ करें। सेम हमने देखा कि जब आप एक प्रॉपर चैनल मैकेनिज्म के साथ चीजों को हाईलाइट करते हैं तो आपके साथ किसी माशरे में, इसलिए मुसलमान आपके साथ खड़े होते हैं। ये बात हमें भूल जानी चाहिए, हरगिज नहीं भूलनी चाहिए कि सारे मुसलमान ऐसे नहीं है, वो आपके साथ स्टैंड होते हैं। और इस केस में भी आप देखें कि जो एक लॉयर है उसका ताल्लुक जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से नहीं है, और जब उसने केस को टेकअप किया है और किस हद तक जो है वो इस केस में हमने देखा कि जो है वो उसकी पैरवी हो चुकी, केस हो चुका है। तो मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पर हमें जरूरत है एक मुकम्मल कम्युनिटी सेटअप की, जहाँ पर हम इस तरह के केसेस को टेकअप करें और सबसे बढ़कर वालदैन और कम्युनिटी में
एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत इस बात की है कि सियासी, समाजी और शौरी लिहाज से फाइनेंशियल एजुकेट करें लोगों को। अगर हम ऐसा नहीं करते तो जो कमज़ोर हमारे बच्चे हैं या बच्चियां हैं वो टारगेट हैं। आप सिर्फ लड़कियों की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो इस तरह के सिमिलर केसेस में स्ट्रगल करते हैं अपने फाइनेंशियल करियर में, एजुकेशनल करियर में, लेकिन उनके लिए जो है वो प्रॉपर चीज़ें एनालाइज हम नहीं कर पाते और उनको कोई ऐसी सहूलत नहीं दे पाते। तो मैं समझता हूँ इसमें ओवरऑल तीन जो है अहम फैक्टर हैं। नंबर वन हमारे जो वालदैन की जिम्मेदारी है, उसके बाद हमारे जो चर्च है उसकी जिम्मेदारी है, और चर्च से रिलेटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। जब ये तीनों एक्टिव होंगे तो आप गवर्नमेंट पर प्रेशर बिल्ड अप कर सकते हैं। आप पुलिस को भी पता होगा कि अगर हमने इस, क्योंकि आप एक अमूमी रवैया है, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाए, कोई भी किसी भी नोयत का केस हो, जब उन्हें पता चलता है कि इसका ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है तो उनका रवैया 360 डिग्री से बदल जाता है, चेंज हो जाता है। और जब उनको पता चलता है कि इसके पीछे बैक है, इसके पीछे लोग हैं, स्टैंड करने वाले हैं, तो वही रवैया एकदम से डिफरेंट हो जाता है। तो ये कैसे होगा, क्योंकि आमतौर पर हमारे पेरेंट्स जो हैं जिनके साथ इश्यूज होते हैं इस तरह के, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो जब उनको पता होगा कि हमारे ऐसे अदारे हैं, हमारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको अप्रोच करने पर हमें ये सारी फैसिलिटेशन मिल जाएगी, तो इस तरह के वाकयात होने पर लोग रिपोर्ट करेंगे, या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कम्युनिटी में जाके कम्युनिटी को ये अवेयरनेस देंगे। आप हैरान होंगे कि हमारे बहुत सारी लड़कियों के जिनकी शादियां हो चुकी होती हैं, बच्चे हो जाते हैं, पेरेंट्स शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाते कि नहीं जी इसकी शादी होगी, अगले घर में जाके बनवा लेंगे। आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, जबकि इस केस में हम कह रहे हैं कि एक डॉक्यूमेंट है जो कि बुनियाद बना है, जिसने आपके सिस्टम को चैलेंज किया है। तो अगर ये डॉक्यूमेंट्स ना होता, उसकी मिसाल ये, इससे पहले हुमा का केस हुआ है, उसमें सारे सिमिलर केस था, वो भी माइनर थी, चाहे उसकी भी जो है वो चाइल्ड अब्यूज के जमरे में, लेकिन उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और केस को प्रॉपर हैंडल नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो केस जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सका। जी जी अयाज, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा तफसीलन जो है वो वजूहात बताई और आपने हाल भी साथ साथ पेश किए। उज़्मा, काइंडली एक तो अपना माइक अनम्यूट कीजिए, और थैंक यू फॉर योर पेशेंस कि आपने सबको बड़े ध्यान से सुना जो बाकी आपके साथी पैनलिस्ट हैं। आप ये बताइए कि जो हमारे नौजवान हैं, खासतौर पर हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत सारे जो आउटसाइड फैक्टर्स हैं, जो हालात हैं, जो इर्द गिर्द हैं, उनको भी डिस्कस करना चाहिए, लेकिन हमें अपने अंदर भी झांकना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं, खासतौर पर ईमानी लिहाज से। तो आज आप योरसेल्फ, यू आर यंग, तो आप नौजवान होते हुए आप जो यूथ है उसको, उनके रुझानात जो हैं वो कैसे देखते हैं, क्या वो वाकई मसीही ईमान के मुताबिक हैं, उनकी एक्टिविटीज जो हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं कि ये मसीही हैं, वो किस तरफ बढ़ रहे हैं, और जब हम ईमान की कमजोरी की बात करते हैं तो आप ये जो बेहतियाती है, ये आप समझते हैं कि वालदैन जो हैं कहीं पे उनकी बेहतियाती है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। जी, थैंक यू सो मच, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, मैं अगर उसके रेफरेंस से स्टार्ट करना चाह रही थी कि आपने बात की थी कि क्यों होते हैं, तो हम अगर देखें कि ये टारगेट्स जो होते हैं वो हमेशा जो कमज़ोर होते हैं, या फिर क्योंकि उनके इनोसेंट माइंड्स होते हैं जिन्हें हम आसानी से मोल्ड कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे बच्चों या बच्चियों के केसेस हमें नज़र आते हैं। तो हमेशा जो भी किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी होती है तो वो गरीब के साथ या फिर कमज़ोर के साथ की जाती है। तो ये जो इमेच्योर गर्ल्स होती हैं या बच्चे होते हैं, इसका बेसिक रीज़न ही अनएजुकेटेड होना, सबसे पहले उनके पास एजुकेशन नहीं होती जिसकी वजह से उन्हें राइट्स का नहीं पता होता, और मज़हब का तो अभी उनको इतना नॉलेज वैसे भी नहीं होता अगर हम फोर्स कन्वर्जन के लिहाज से बात करें। तो जो रिपोर्ट्स भी शो हुई हैं वो बताती हैं कि 800 से 1000 जो हैं अंडर एज माइनर, हिंदू, सिख और क्रिश्चियन जो गर्ल्स हैं, उनको फोर्स कन्वर्जन की जाती है एवरी ईयर। और शायद यही रीज़न है जिसकी वजह से जो 5000 बताए जाते हैं कि लोग वो माइग्रेशन कर जाते हैं डिफरेंट खौफ की वजह से दूसरी जगहों पर, और यही एक वजह जिसकी वजह से, शायद इसी डर की वजह से तालीम भी नहीं दिलवाई जाती बच्चियों को और बच्चों को।
तो ये सारी रियलिटीज़ को भी हमें देखना है कि क्या रीजंस है इसके बिहाइंड, और इसके अलावा और भी बहुत से हैं जिनको हमें देखना होगा। और फिर ये बात है कि अब ये इसलिए ज़्यादा हमें पता चलते हैं क्योंकि मीडिया, वैसे तो हमारे पास बहुत मीडिया की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, लेकिन ऐसे केसेस को रिपोर्ट मीडिया भी नहीं करती। उनके भी डिफरेंट रीज़न होते हैं, बैकग्राउंड उसका बिल्कुल डिफरेंट है। और क्योंकि हमारे पास अभी क्रिश्चियन मीडिया में काफ़ी चैनल्स थे, और इसके अलावा सोशल मीडिया की वजह से अगर हम इस केस के रेफरेंस से देखें तो हमें इसका सबसे ज़्यादा पता इसी वजह से चला है क्योंकि सोशल मीडिया हमारे पास था और इसको सही तरीके से सोशल मीडिया को यूज़ किया गया। और आपके क्वेश्चन की क्या हम ठीक कर सकते हैं, सबसे पहले क्योंकि हम देखें तो इन केसेस में जो बच्चे हैं वो इसका टारगेट बनते हैं, तो हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों पे नहीं डाल सकते। सबसे पहले पेरेंट्स आएंगे, हमारी पाकिस्तानी कलीसिया का और हमारे जो चर्च के अथॉरिटीज़ हैं वो इसमें आएंगी, उसके बाद पेरेंट्स की आएगी कि वो अपने बच्चों की जहाँ एजुकेशन हम देखें जो उनकी बेसिक एजुकेशन है उसकी तरफ जितना वो जोर देते हैं, तो उनको अपनी रिलीजन का भी इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो जब बाहर इस रीसेंट सिनेरियो में और जो कि आजकल हालात चल रहे हैं, जब वो बाहर निकले तो उनको इतना पता होना चाहिए कि वो इन हालात में कैसे अपने आप को, किस तरह उन्होंने टैकल करना है, किस तरह इन सब चीज़ों को फेस करना है, क्या कैसे रिस्पॉन्स करना है अगर उनके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हमारी जो फैमिलीज में या वो यूथ है या फिर वो पेरेंट्स है, हमारे में कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए और बच्चों को ऐसा कॉन्फिडेंस और नॉलेज और एजुकेशन देनी चाहिए कि वो बात भी कर सके और उनके पास नॉलेज हो, और जो भी उनको ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो वो बोल भी सके। क्योंकि मोस्टली जो है हमारी जो फैमिली में जो फीमेल्स होती हैं वो ऐसी बातों को नहीं भी बोलती, नहीं भी बताती, तो ये भी एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से बहुत सी जो चीज़ें हैं वो सही से टैकल नहीं हो पाती। और अगर जिस तरह आपने हुमा की केस की बात की है और आरजू का केस जो है वो क्योंकि वो ज़्यादा हाईलाइट हो गया और वो टैकल हुआ, लेकिन जो इनके लॉयर हैं जिब्रान नासर, तो उन्होंने उनकी ही मैंने एक पोस्ट से देखा था कि ये हुमा का केस भी उनके पास आया था, लेकिन इसमें भी बहुत से हम देखें तो क्लीसिया के और एनजीओ थी जो कि इसमें इन्वॉल्व थी, दैट्स वाई ये अच्छे से हैंडल नहीं हो सका और ये केस जो है बिगड़ गया। लेकिन आरजू के केस में इसीलिए शायद उन्होंने इस दफा फ्री ऑफ कॉस्ट आकर इस केस को हैंडल करने की सोची है। तो अगर देखा जाए तो हमारी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मसीही नौजवानों की अगर देखे तो हमारी सबसे पहले संडे स्कूल, फिर हमारे चर्चेस, हमारी क्लीसिया में हमारे यूथ ग्रुप्स होते थे जो कि अब भी हैं, लेकिन बात यह है कि जिस तरह लॉज है लेकिन उनकी इन्फोर्समेंट नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इसी तरह जो जो चीजें हैं उनको तरह काम भी करना चाहिए तो वो फिर ही अपना असर दिखाती है। जी उज़्मा, बहुत शुक्रिया। फैसल, चूंकि आप फील्ड में भी काम करते हैं, पीस के लिए, फिनांस के लिए, आपने बहुत सारी फील्ड जो है इस वक्त अपनाई हुई हैं जिसमें आप काम करते हैं, तो पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये कुछ लोगों ने सूद पर पैसा उठाया होता है, भट्टे पे काम कर रहे होते हैं, गुर्बत है जो आड़े आती है, फिर आप अगर चले जाएं सिंध एरिया में, वहां पे भील है, मालवाड़ी है, छोटे जो तबके के उनकी झोंपड़ियों से वो जो उठाया जाता है, असल में ये शादी जो मजहबी जो कन्वर्जन इसको जबरी जो तब्दीली है मजहब है उसका अमल दखल कम है उन पे, जो जबरी निकाह या उनको यूज करने के लिए ये किए जाते हैं, इसमें जो है वो गुर्बत और ला इल्मी और ये इतनी चीजें आ गई हैं, इन इसको हम कैसे दूर करेंगे? असल में आज इसका मेन पॉइंट भी ये था कि यूथ या कैसे ढूंढे, कैसे आप ढूंढो के ये जो ज्यादा मोस्टली वाकयात गुर्बत, ला इल्मी या वो ही कह लें जो सूद पे पैसे उठाते हैं या भट्टा पे काम करते हैं, या बिल्कुल ही बाज आबादियां ऐसी हैं मुस्लिम आबादियां जहाँ चार पांच घर हैं सिर्फ, जो बहावलपुर में वाकयात हुए या दूसरे, तो इसको हम कैसे जो है रोकथाम इनके लिए कर सकते हैं? जी इसके फैसल लिए मैं कमेंट जी करना चाहूंगा। जी
जी फैसल, आपको आवाज नहीं आई? जी फैसल, जी फैसल बात कीजिएगा। मेरा ख्याल फैसल की लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है। नरेन, आप आपने तो सवाल सुना जी, आवाज आ रही है सारा, आप बोलिएगा। जैसे फैसल की आवाज नेट ठीक होता है तो हम फैसल की तरफ चले जाएंगे। वेल, आपने खुद ही बड़े दानिशमंदाना तरीके से जो वेरी कोर प्रॉब्लम्स हैं इस सारे बड़े मसले की, एक तो गुर्बत, मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान में तो वैसे भी 40% से ज्यादा लोग जो हैं वो 41 प्रॉबली 2020 में जो एस्टिमेट लगाया गया है कि गरीब लोग रहते हैं, और अगर ये रिलीजियस कम्युनिटीज की बात की जाए तो हम और भी गुर्बत में उस लेवल पे नीचे चले जाते हैं। गुर्बत को खत्म करने के लिए तो देखें, मैं और मेरे जैसे बहुत सारे कारकुन जो हैं सालों से एक ही बात कर रहे हैं, इस मसले का वाहिद हल तालीम है। लेकिन हम बार बार कहते हैं तालीम तालीम, लेकिन कभी भी किसी भी अदारे की, वो रियासत का अदारा हो, वो मजहबी अदारे हों, या वो फिर समाज के अंदर काम करने वाले अदारे हों, उन्होंने कभी भी कोई स्ट्रेटेजिक तौर पर एक मुनासिब लाहे अमल के तौर पर तालीम को कभी भी फोकस नहीं रखा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि तालीम जो है वही किसी भी तबके को, किसी भी माशरे को, किसी भी खानदान को बहुत निचली सतह से उठाकर कहीं भी पहुंचा सकती है। लेकिन ये तालीम जो है ये सिर्फ ऐसे ही तो नहीं आएगी कि अभी फादर साहब ने शुरू में कहा कि हमारा मसीहियों का एक बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान की तरक्की में, क्योंकि हमारे मसीही अदारे हैं। लेकिन मैं अफसोस के साथ हमेशा ये कहती हूँ कि इन्हीं मसीही इदारों में हमारी खिदमात तो बहुत हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान को अभी करंट सिचुएशन में देखें तो इन इदारों में किन तबकात के बच्चों की जो है वो हमें नजर आएगी तस्वीर। आज भी अगर आप अच्छे पॉश स्कूल्स में चले जाएं जो कि हमारे मिशनरी स्कूल्स हैं, तो इंग्लिश मीडियम में आपको कोई ही इक्का दुक्का बच्चा नजर आएगा। हमारे बच्चों के लिए उर्दू मीडियम स्कूल इंग्लिश मीडियम के साथ एक दीवार बनाकर दूसरा स्कूल, तो जब तरजीहात ऐसी होंगी तो फिर मेरा ख्याल है ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं अब ये कहती हूँ कि अब वक्त आ गया है, चलें इस केस की ही वजह से बहुत सारी चीजों के ऊपर हमें मिलकर बैठकर एक नए लाहे अमल करने की जरूरत है। बहुत दफा कम्युनिटीज के अंदर हमें ये भी सोच पैदा करने की जरूरत है कि सिर्फ डिग्रीज तालीम नहीं है। बहुत दफा हमारे कम्युनिटीज में जो बच्चे मैट्रिक पास करते हैं उन्हें टेक्निकल और स्किल बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन की तरफ लाना होगा, क्योंकि अभी देखें जो तकाजे हैं तरक्की के वो सिर्फ डिग्री से पूरे नहीं हो सके, वो स्किल बेस्ड एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग की भी बहुत ज़रूरत है, एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत ज़रूरत है। हमारे बच्चे छोटे माइक्रो बिजनेस करने से घबराते हैं, वो कहते हैं कि बड़ी कंपनी हो हम उसी के CEO बन जाएं फट से। तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये भी डालने की ज़रूरत है, हम सब हों, मैं जब हम कह रही हूँ तो हम सब सबका ही एक रोल है कि हम इस तरफ अपनी कम्युनिटीज को लेकर आएं। आगही लाइल्मी का आपने जिक्र किया, बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में मैकेनिज्म ऑलरेडी है। एआसा बता रहे थे कि कानून बहुत महंगा होता है, फिर फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं चूंकि पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी 3 साल काम कर चुकी हूँ, एक मैकेनिज्म भी मौजूद है कि इन तमाम केसेस में फ्री लीगल एड की भी कहीं ना कहीं प्रोविजन है। लेकिन मसला ये है कि कम्युनिटीज में ये हमें पता ही नहीं होता कि कौन सी चीजें हैं, हमने कहाँ जाना है मेडिकल चेकअप के लिए, हमने कहाँ जाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है मेडिको लीगल, आपका बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं देने पड़ते, आपने बस वहां जाना है। लीगल एड्स के सेंटर्स हैं, आपने बस वहां जाना है। हेल्पलाइंस का हमें पता होना चाहिए, शऊर होना चाहिए कि कौन सा नरेन, जब शहजाद और शमा शहजाद का वाकया हुआ, हाँ जी, मुझे याद है कि उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने वहां पे तालीम को छोटे तबके में तालीम को फरोग देने के लिए किताबें तकसीम की थी, फ्री किताबें की थी, कुछ उन्होंने इंतजाम भी अरेंज भी किया था। असल में प्रॉब्लम आ रहा है छोटी जगह, जो छोटी जगह है वहां पे जो उनके पास एजुकेशन नहीं, या वो पैसे की गुर्बत या सूद में फंसे होते हैं, बिल्कुल ज्यादा ये वो करने के, ये गिला ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अब जो पहले हम कहते थे सियासत हमारे लिए शजरे ममनू है, अब एजुकेशन हमारे लिए शजरे ममनू, क्योंकि महंगी तरीन होती जा रही है तो हमारे इदारे तो अब ऐसी सहूलत नहीं देते, या 50% कहीं कहीं 50% लो जाता नहीं, कैसे किया जाए। देखिए
बिल्कुल सो आपने जब शुरू में ही बात की ना, और मैंने अपनी पहली बात का आगाज किया था कि आईन के अंदर आर्टिकल 25 कहता है इक्वालिटी, वो इक्वालिटी कहीं भी नहीं है, आईन इंश्योर करता है, वो विद इन द क्रिश्चियन कम्युनिटी भी नहीं है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी अंदर देखें तो तबकात हैं, ठीक है, वो जो ऊपर वाला तबका है वो कभी भी नीचे वाले तबके को अपने के साथ इक्वल नहीं करेगा, तो इस पे भी हमें बात करने की जरूरत है। ला इल्मी तो देखें, हमने खुद वो लूका यसु का मैनिफेस्टो, फादर जी ने कहा कुछ ईमानी बातें भी करें, उसने कहा मैं इसलिए आया हूं कि अंधों की आंखें खोले, मैं तो कहती हूँ अभी तक आंखें हम सबकी बंद है, तो कहीं ना कहीं तो हमें आंखें अपनी भी खोलने की जरूरत है, दूसरों को भी बेदार करने की जरूरत है। यहाँ तो हर बंदा कुचला हुआ है, वो निजाम हो, वो रियासत हो, वो चर्च हो, वो आपका अपना घर ही हो, हर बंदा जो है वो नाइंसाफी में कहीं ना कहीं झगड़ा हुआ है। तो इन कुछ सारे कुचले हुए लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो हमें लाहे अमल करना ही होगा, और मैं कहती हूँ चर्च को अब कोलैबोरेशन में आना चाहिए, हुकूमत रियासत से हम अलग नहीं रह सकते। आखिरी नजरें हमारी चर्च की ही तरफ है। एयाज ने बड़ा अच्छा कहा था कि हम रियासत के शहरी पहले हैं और हम मजहब बाद, मैं हमेशा कहती हूँ मैं पाकिस्तानी पहले हूँ, मैं मसीही बाद में हूँ, और फिर मेरे बहुत सारी और आइडेंटिटीज भी हैं। तो जब आप अपनी रियासत को देखें, नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो कहीं ना कहीं मसीहियों में और हमें और ज्यादा भरना होगा कि हम पाकिस्तानी हैं। अगर हमने खुद ही मान लिया कि हम पाकिस्तानी नहीं पहले मसीही हैं, तो दूसरों को हमें और दबाने के मौके ज्यादा मिल जाएंगे। सो अपनी आइडेंटिटी को क्लेम करना, बच्चों को सिखाना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है, हमने यहाँ रहना है, तभी हम ये चीजें क्लेम कर सकते हैं। जो पॉइंट मैं आखिरी बताना चाहती हूँ कि मैं फील करती हूँ, मेरा तजर्बा ये कहता है कि चर्च को अभी रियासत के साथ कोलैबोरेशन करना होगा। चर्च का मिशन ही सोशल जस्टिस है। मेरा एज अ मसीही मैं भी यही कहती हूँ, मेरा ईमान मुझे समाजी इंसाफ पे उकसाता है। चर्च का तो मिशन ही सोशल जस्टिस है। चर्च जरूरी नहीं है सारे फंड्स चर्च अपने ही इस्तेमाल करे, जो रियासत की ऑलरेडी फैसिलिटीज हैं कहीं ना कहीं उनको कम्युनिटीज में लेकर आए, चर्चेज में अनाउंसमेंट की जाए, जॉब्स कोटे के बारे में बताया जाए, बच्चों को एडमिशंस के बारे में बताया जाए, लोगों को फ्री लीगल एड के बारे में बताया जाए, खवातीन की नाइंसाफियों की बात की जाए कि देखें अब हैलेलुया सिर्फ और गीत गाने से तो मसले हल नहीं ना होंगे, अब कहीं ना कहीं हमें सोशल गॉस्पल की तरफ आना पड़ेगा, जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी चर्च में अभी तक मिसिंग है। कम से कम मैं तो बहुत कम देखती हूँ कि बाइबल भरी पड़ी है, प्रॉफिट्स की किताबें उठा के देख लें, भरी पड़ी है समाजी इंसाफ से, मौशी इंसाफ से, कोई बात ही नहीं करता। वो सारे बार बार कहते हैं यसु ने किया, यसु ने किया। मेरा मिशन क्या है? आज आपने कहा ना कि मेरा किरदार क्या है, मैं कहती हूँ मेरा मिशन क्या है, मेरा बपतिस्मा मुझे किस चीज के लिए उकसाता है। मैं तो देखे रोज घर में आती हूँ एक नई सोच लेके, ओहो आज ये भी माशरे में मैंने देख लिया, लेकिन उसके साथ साथ पेन और ज्यादा बढ़ता है कि हम जिनको खुदा ने कुछ दिया है हम दूसरों के साथ बांटने वाले हैं, लेकिन कैसे हम कम्युनिटी में ये सारी चीजें जो है वो ला सकते हैं। जी उज्मा, बहुत शुक्रिया। जी फादर जी, बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं फैसल, क्योंकि आपका नेट जो है वो कुछ खराब हो गया था। बहुत खूबसूरत बातें की नौरीन ने ईमान के हवाले से, और खास तौर पे जो सोशल जस्टिस की उन्होंने बात की। मैं समझता हूँ कि जो सोशल जस्टिस है वो जो हमारा मजहब है उसकी बुनियाद है। आप देखें अगर वो नहीं जो समाजी इंसाफ है, तो जो खुदा यसु मसीह की तालीम भी इसी पे है कि आप सबके साथ इंसाफ हो, अमन हो, सलामती हो, जहाँ पे इंसाफ नहीं होगा वहां पे अमन कायम होगा। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जो चर्च के अदारे हैं उनको कुछ इल्हाक करना चाहिए, जो समाजी अदारे हैं जो बाहर हैं कुछ निकलना चाहिए उससे, और जो हुकूमती अदारे हैं और उनमें किरदार अदा करना चाहिए, ताकि ये कलेक्टिवली कुछ स्ट्रेटेजी जो है वो बनाई जाए, जो कि हुकूमत भी फील करे कि ये लोग हमारे साथ हैं और हमारी मदद कर रहे हैं। पहले हमने एक प्रोग्राम किया, उसमें जो पैनलिस्ट थे वो आए थे, उन्होंने बहुत ज्यादा कंडेम किया। उन्होंने कहा कि हमारे शायद जो पास्टर्स हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे, वो बदरूह निकालने में मसरूफ हैं। तो ऐसे जैसे कि सारे लोग जो हैं वो पोजेस्ट हो चुके हैं और उनका काम ये रह गया बस। तो इस हवाले से खासतौर पर आप बताइएगा कि ये हमारी जो जिम्मेदारी जो है जो वो रियासत की तरफ कितनी है, और रियासत की तो खासतौर पर जो नौरीन ने बात की इसको आप किस तरह आगे बढ़ाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो रियासत की बात है, जैसे अयाज ने भी बात की, मिस नौरीन ने भी बात की, कि रियासत की अपनी एक, जैसे रियासत एक माँ है, तो एक माँ जो है वो अपने चंद बच्चों के लिए सगी कैसे हो सकती है,
और कुछ बच्चों के लिए सौतेली कैसे हो सकती है। तो ये तो एक रियासत को सोचना चाहिए कि जितने भी लोगों को, जैसे 22 करोड़ आवाम पाकिस्तान में, तो उसमें सारी माइनॉरिटीज़ भी आती हैं, मेजॉरिटी भी आती है, तो रियासत के लिए तो सारे बच्चे एक जैसे होने चाहिए। पहली बात तो ये क्या रियासत को अपने कानून के मुताबिक सबको एक ही लेंस के साथ देखना चाहिए और सबको इंसाफ देना चाहिए। सेकंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी चर्च की है, मैं समझता हूँ जैसे मिस नरीन ने बात की कि संडे स्कूल का रुझान था वो बहुत अच्छा था, उसमें छोटे बच्चों को ही बचपन से ही मसीही तालीमात दी जाती थी, कदरें से कही जाती थी, लेकिन अब सारा का सारा जो सिस्टम है वो डिजिटल हो गया। हम बच्चों को डोरेमोन पे लगा देते हैं और कार्टून्स दिखाते रहते हैं, और वो बच्चे जो हैं वो अपनी जो क्रिश्चियन वैल्यूज़ हैं उसकी तरफ उस तरह से आ ही नहीं पाते। तो मेरे ख्याल में इसके लिए जैसे चर्च की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से बच्चों की अपब्रिंगिंग करें। और ये जो इशू है फोर्स कन्वर्जन का या फोर्स मैरिजेस का, ये हो रहा है बैकवर्ड एरियाज में जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है और एजुकेशन की कमी है। मेरे ख्याल में मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा जीसस क्राइस्ट की उस तमसील को कि जिसमें वो कहते हैं कि अगर 100 भेड़े हों और उसमें से एक खो जाए तो वो 99 को छोड़ के एक को ढूंढने जाता है, वो अच्छे चरवाहे की एग्जाम्पल की बात। तो यहाँ पे हमारे जो चर्च लीडरशिप है जिसमें प्रीस्ट्स भी हैं, जिसमें पास्टर्स भी हैं, पादरी साहिबान भी हैं, कैटेकिस्ट भी हैं, वो तमाम लोग जो रिलीजियसली हमें लीड कर रहे हैं, तो हमें फेवरेटिज्म से निकलना चाहिए। चंद एक फैमिलीज जिनको हम विजिट करते हैं उनको छोड़ के उन फैमिलीज के पास भी जाना चाहिए, शायद जो चंदा नहीं दे सकते उनको भी विजिट करना चाहिए ताकि उनकी फेथ फॉर्मेशन भी हो। अब जहाँ पे बात है कोलैबोरेशन की, पार्टनरशिप्स की, तो पीस सेंटर जैसे कि मैं जॉब कर रहा हूँ बतौर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी पीस सेंटर लाहौर, और ये एक कैथोलिक अदारा है, यहाँ पे हम एक हमारा एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है जिसमें हम यूथ को बुलाते हैं, और ये यूथ सिर्फ कैथोलिक यूथ नहीं होती, वो तमाम डिनोमिनेशन से यूथ को बुलाते हैं, अराउंड अबाउट 100 के करीब वो यूथ होती है। और पिछले महीने भी हमने एक क्रिश्चियन फेथ फॉर्मेशन का प्रोग्राम किया, इसके अंदर हम यही बताते हैं कि आपने अपने फेथ के साथ किस तरह से मजबूत रहना है। और हमने देखा कि जैसे ये कोविड के 5-6 माह थे, मार्च से ऑनवर्ड हमने देखा कि चर्चेस बंद थे, उस तरह से गैदरिंग्स नहीं थी, तो हर घर के अंदर एक चर्च हमें नजर आया और हर घर के अंदर उस तरह से वर्शिप्स हो रही थी, प्रेयर्स हो रही थी, तो ये एक बड़ा अच्छा था। अब मसला तो ये है कि जिस घर में कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो समझते हैं, जो बाइबल पढ़ सकते हैं, जो एक दूसरे के साथ बाइबल की बातों को शेयर कर सकते हैं, वो तो ठीक है, उनको तो समझ आती है बात। लेकिन मैं दोबारा से आऊँगा हमारे चर्च लीडरशिप के पास, अगर कैथोलिक की बात करें तो उनके पास कैटेगिस्ट हैं जो डोर टू डोर जाते हैं और उनको पता होता है कि कौन सा घराना, कौन सी फैमिली खुदा के करीब है या चर्च के करीब है या चर्च के करीब नहीं है। तो हमें उन एरियाज को टारगेट करना चाहिए जहां पे ऐसे ऐसे वाकयात होने का खदशा है, हम उन एरियाज में जाएं, उन फैमिलीज को विजिट करें। और लिटरली मैं बताऊं कि हम एक, तब मैं कारितास में काम कर रहा था, हम एक भट्टा पे गए और वहां पे हमने बच्चों के साथ कुछ टॉयज शेयर करने थे, क्रिसमस का प्रोग्राम करना था, वहां पे 25-30 फैमिलीज थी, क्रिश्चियन फैमिलीज जो खुद भी भट्टे पे काम करते थे और उनके आगे से बच्चे भी स्कूल नहीं जाते थे बल्कि भट्टे पे काम करते थे। हमने उनके उनके साथ प्रेयर की और उनसे एक सवाल पूछा कि ये जो बड़ा दिन आप मनाते हैं, ये जो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, ये क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है? और यकीन करें उनको ये नहीं पता था कि क्रिसमस सिर्फ हम मनाते हैं, ये नहीं पता कि इसके पीछे लॉजिक क्या। तो ये है हमारे हमारे उन उन इलाकों में जहाँ पे शायद हमारे जो कैटेगिस्ट हैं या पास्टर साहबान जो डोर टू डोर विजिट करते हैं उनकी एक नाकामी हमें नजर आती है। फैसल थोड़ा मुख्तसर करना पड़ेगा इसमें। जी फैसल, जैसे खत्म कर रहे हैं क्योंकि हमारा टाइम जो है वो काम है, और जरा मुख्तसर बताइए फिर नौरीन की बात पे। नौरीन आप इधर कमेंट करना चाहती हैं अभी? जस्ट हाँ जी, हाँ जी, हाँ, फैसल को कंप्लीट करने दें प्लीज। जी फैसल, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हम लोग एक फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है,
और हम क्रिश्चियन फेथ फॉर्मेशन पे काम करते हैं, तो यहाँ पे ये बात भी आती है कि अगर अगर आपकी फसल ज्यादा है तो आपको मजदूर बढ़ाने चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम हर वो तंजीम जो फेथ बेस्ड है या अगर वो फेथ बेस्ड नहीं भी है तो वो अपने एजेंडा में शामिल करे कि हमने क्रिश्चियन फेथ फॉर्मेशन के प्रोग्राम्स करने हैं और प्रिवेंशन ऑफ फोर्स कन्वर्जन एंड फोर्स मैरिजेस के ऊपर सेमिनार्स करने हैं। और इसके ऊपर अगर वो डोर टू डोर हर गली मोहल्ले में जाके इसके ऊपर अवेयरनेस देंगे तो मेरे ख्याल में इस तरह के जो केसेस हैं उनके कम होने के काफी चांसेस हो सकते हैं। मैं सिर्फ इसमें एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि बहुत दफा बहुत सारे पैरिशेज में मेरा अपना भी जाती तजुर्बा है और अभी ऑब्जर्वेशन भी है कि जब यूथ प्रोग्राम की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ऐसे बच्चे हैं जो कम से कम मैट्रिक पास हों, ठीक है, इसका मतलब है जो अनपढ़ बच्ची है या बच्चा है जो कि ज्यादा वनरेबल है ऐसे हादसात के लिए, उनके लिए कोई प्रोग्राम नहीं होता। सो मेरी एक सजेशन है इसी प्रोग्राम के तवसत से कि हर पैरिश में कोई दूर दराज छोटा इलाका है, कोई पिंड है, कोई ऐसा एरिया है जहां कोई नहीं पहुंच सकता, तो कैटेकिस्ट हैं, पास्टर्स हैं, ऐसे नौजवानों के लिए प्रोग्राम रखें जो अनपढ़ हैं, जो किसी न किसी वजह से दूसरे बच्चों के यूथ के साथ मिलकर ऐसे प्रोग्राम अटेंड नहीं कर सकते। सो हमें उनको भी कहीं ना कहीं अवेयर करना पड़ेगा। अभी इसी के साथ जो दूसरा मशवरा ये है, मशवरा भी है, मैं तो खुद भी ये काम करती हूँ, चर्च को अब ये समझ लेना चाहिए कि मजदूर अगर थोड़े हैं तो कहीं ना कहीं ले कोलैबोरेशन को भी अंदर लेना होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग जो वॉलंटियर तौर पर या कहीं ना कहीं अपने टाइम निकाल कर अपनी एनर्जी निकाल कर, तो उनको भी कहीं ना कहीं चर्च को जगह देनी होगी कि वो चर्च के साथ, क्योंकि वो भी चर्च हैं, वो भी बपतिस्मा याफ्ता हैं, तो सारे ये मिलकर अपनी अपनी बुलाहटों में आगे बढ़ें। और ये जो कौम का एक बहुत बड़ा मसला है, बिलखसूस खवातीन जहाँ कुचली जा रही हैं, नाइंसाफी में पिसती चली जा रही हैं, और जो कसरत की जिंदगी यसू दे रहा है वो हम उनसे छीन रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं मिलजुल कर जो है जिंदगी के सिलसिले को रवा दवा रखना होगा। जी बहुत शुक्रिया। और नाजरीन जितने लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं हम आपके मशकूर हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और आप अपने कमेंट्स भी देते हैं और ये सारे कमेंट्स बाद में हम पढ़ते हैं और जो हमारे प्रोग्राम होते हैं उनको तरतीब देने में हमारी मदद होती है, तो थैंक यू वेरी मच। अभी क्योंकि हमारे पास वक्त जो है वो बहुत कम है क्योंकि एक घंटे से ज्यादा टाइम हो चुका है, तो हम अपना जो अपनी जो गुफ्तगू जो है उसको कंक्लूड करते हैं और जो मैसेज जो है वो आज जो सारी गुफ्तगू जो उसका निचोड़ जो है उसका मैसेज जो देना चाहेंगे। उस्मा काइंडली कुड यू टेल अस दैट व्हाट इज योर कंक्लूडिंग मैसेज, जो आप सारी गुफ्तगू आपने सुनी अपने साथी पैनलिस्ट को भी आपने खुद भी उसमें शिरकत की, तो जब हम बात कर रहे हैं जबरन तब्दीली है मजहब और निकाह और जिम्मेदारियों की बात करें तो आज आपका मैसेज जो है वो क्या है, जो पावरफुल मैसेज? जी थैंक यू। सबसे पहले ये जो भी बात चल रही है उसके साथ मैं अगर इसको लिंक करूं कि हम जिस तरह बात करें कि मजदूर थोड़े हैं और फसल ज्यादा है, तो अगर हम ये देखें कि जो हैं वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं, मीन्स के हमें राइट वर्ड ऑफ गॉड की प्रीचिंग मिल रही है, इसको भी हमें देखना है, तो क्योंकि यही लोग हैं जो आगे तरबियत कर रहे हैं हमारी यूथ की, हमारे आगे आने वाली नस्लों की, तो अगर वो अच्छे से अपना काम कर रहे हैं तो अगली नस्ल भी ठीक रहेगी। और मेरा मैसेज यही है कि हर काम के पीछे जिस तरह हम देखते हैं कि खुदा का कोई ना कोई मंसूबा होता है, और इस केस के थ्रू अगर हम देखें कि जो हमारे पास आरजू का केस आया, इसकी वजह से जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो आगे आई है, और पहले जहाँ पे बहुत सी और भी बातें होती थी और वो उन पे नहीं बात की जाती थी, बहुत से और से मसाइल होते थे, उनको इतनी हाईलाइट नहीं दी जाती थी, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट मिली है, तो इन हालात से जो हमें अच्छाई और बेहतरी निकालने के लिए खुदा की तरफ भी अपनी जैसा तरबियत की बात हुई है, तो एजुकेशन के साथ साथ प्रोफेशनल एजुकेशन लें, अपने रिलीजन एजुकेशन पे भी फोकस करें और अपनी जिंदगियों में खुदा के उस मंसूबे को जाने, सबसे पहले अपना गोल सेट करें, जिसका हमारा टॉपिक है हमने यूथ को डिस्कस करना था, तो मस्ट ये हमारी पेरेंट्स की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों को कोई गोल और इस तरह के कोई ना कोई मकासद उनकी जिंदगी में रखें कि वो एजुकेशन के साथ साथ उन्हें पता हो कि उन्होंने आगे जिंदगी में क्या करना है, और एक साथ लेकर अपनी कम्युनिटी को चलें, जो कोई अच्छा काम करता है उसका साथ दें,
अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप जिस तरह हमारा, अगर हम ये देखें इस प्लेटफॉर्म का मकसद भी यही है कि हम डिफरेंट जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन मसाइल पे बात करते हैं, और हमारा मकसद ये होता है कि उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके कोई अच्छा कंक्लूजन और रिजल्ट निकाल सकें। तो अपने लोगों का अच्छी नीयत के साथ जो काम कर रहे हैं, रुकावट बनने के बजाय उनका साथ दें। वो किसी भी तरह हो सकता है, आप उनकी बोल के आप उनके मैसेज को और उनकी जो जो भी उनके मकासद हैं उनको अगले लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जो काम कर सकते हैं वो उनकी मदद कर सके। सो अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपने ऊपर इस बोझ को भी महसूस करें। ये मेरा मैसेज था सब यूथ को, बच्चों को, पेरेंट्स को और अपनी कलीसिया के लिए। थैंक यू। जी जी उज़्मा, बहुत शुक्रिया आपका। अय्याज, आपकी तरफ आएंगे, अगरचे आपने गुफ्तगू के दौरान भी कुछ मशवरा जा दिए थे प्रैक्टिकल के क्या करना चाहिए, तो अभी जो सारी गुफ्तगू आपने ऐसा पैनलिस्ट को सुना, और आप इस गुफ्तगू को कंक्लूड किस तरह करते हैं और मैसेज जो है आपका जो वो आज क्या होगा? जी बिल्कुल, थैंक यू वंस अगेन। मेरे कुछ मैं पॉइंट्स जरूर इनको देना चाहूंगा, लेकिन लाइटर नोट पे मजदूरों की काफी बात हुई है, तो ये है कि मजदूर थोड़े भी हैं और निकम्मे भी हैं। अगर वो अच्छा, मैं अय्याज एक बात कहना चाह रहा हूँ, अभी आप अपने इर्द गिर्द देख लो, आप भी मीडिया से तल्लक हो, मजदूर तो आपको इतने लगते हैं, हर बंदा चैनल पे बैठा हुआ है, हर बंदा कर रहा है। मैं उसका पॉइंट है मेरा, आगे मैं जरूर देना चाहूंगा। मुझे पता है इसका, जब मैं इसका क्लिप लगाऊंगा तो सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोगों को ये बात ना गुजीर गुजरेगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमें सच बोलने की जरूरत है और अब वक्त है कि हम, हाँ जो है वो, हम जैसे अपने नौजवानों की बात की, हम सच बोले, खुल के बोले, डरने की जरूरत नहीं है। मसला हमारा ये एक नहीं है, जिस तरह इस वक्त आप सोशल मीडिया पर देखते हैं तो लगता है कि सिर्फ आरजू ही मसला है। मसला एक नहीं है, मसला आपके डिवोर्सिस का है, मसला आपकी लड़की की शादी का है, मसला आपके घरों में कर्जों का है, सूद का, नशा एक बहुत बड़ा मसला है, आपकी कम्युनिटी को, खानदान के खानदान तबाह कर रहा है। आपके जो, हाँ आपने बात की रूहानियत की, बात करी, हर तीसरा घर जादू से भरा हुआ है। आप क्या बात करते हैं जी स्पिरिचुअल, उसमें क्या है? आप खानदानी झगड़ों की, आप कर्जों की बात करते, इतनी ऐसे ही बात करें वहाँ एजुकेशन की। दूसरी जो एक चीज है, जैसे सैमसन साहब ने कहा हर बंदा काम कर रहा है, तो हम कुछ 40 लाख हैं ऑलरेडी। मैं अगर फिगर में थोड़ा आगे पीछे हो जाऊँ तो उसके लिए माजरत, लेकिन कुछ 33 लाख तो हमारी फलाह के लिए काम कर रहे हैं, और फलाह के लिए वो काम कर रहे हैं, वो कौम की खिदमत कर रहे हैं जिनकी खुद खिदमत की जानी चाहिए। देखिए मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, अगर मैं खुद अपनी जो है वो अच्छे तरीके से अर्निंग नहीं कर पाता, मैं कैसे कम्युनिटी को सर्व कर सकता हूँ? तो ये एक सवाल है कि जो लोग खिदमत कर रहे हैं, जो खिदमत के नाम पे कर रहे हैं, उतने लोगों के लिए। दूसरी एक और चीज है कि आप एक तासुर ये दे रहे हैं कि इस माशरे में आपके लिए जगह नहीं है, ये बहुत खतरनाक एलिमेंट है। आपकी, आपके लड़कों ने 95% मुस्लिम सोसाइटी में काम करना है, जब उनके तासुर में घर में ट्रेन ये किया जाएगा कि बेटा मुसलमान तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, वो कभी भी प्रोफेशनल आगे ग्रो नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरे जो दूसरे गैर मुस्लिम दोस्त हैं वो मेरे साथ जो है वो फेथफुल नहीं होगे, तो वो कैसे, आप उसको माइंडसेट क्या दे रहे हैं? तो ये एक चीज देखें कि ऐसी सोच नहीं है। जब आप खुद ठीक होते हैं, जब आप खुद कॉन्फिडेंट होते हैं, जब आप खुद वेल अवेयर एजुकेटेड होते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो कहते हैं ना, इवन द हॉर्स नोज के उसका जो मालिक है वो उसका दिल घबरा रहा है, उसको भी पता होता है। तो जब आप कम्युनिटी में निकलते हैं, लोगों को पता होता है कौन क्या है, किसके अंदर क्या काम, क्या चीज है। एक ये चीज है। दूसरी ये देखें कि हमारे यहाँ जो आपने कहा ना कि जी वो किया नहीं जाता, मैं आपके चैनल से इससे पहले भी कह चुका हूँ, पाकिस्तान के किसी भी खत्ते में, किसी भी शहर में, ऑनलाइन हो या वैसे, कोई भी चर्च, कोई भी गांव, कोई भी खत्ता क्रिश्चियन, अगर वो CSS के लिए, अगर वो करियर काउंसलिंग के लिए, वो पेरेंटिंग के लिए, किसी भी हवाले से कोई सेशन करना चाहता है, मैं अपना प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं खुद नहीं प्रोफेशनल लोगों को दे सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कोई नहीं मांगेगा, सबको चाहिए पैसा, सब काम करते हैं सिर्फ पैसे के, प्रमोशन के लिए। ये जो हम गरीब माँ बाप की बात करें, आप इनके पास जाके चले जाएं, आप इनको कहें कि एजुकेट करें, ये करें, नहीं करेंगे। उनको किसी तरीके से ये हो जाएगा कि वो अपना घर ले लें, गाड़ी ले लें, ताकि वो माशरे में दूसरों के मुकाबले रिश्तेदारों को बता सकें कि हमने ये काम किया है। ये एक है। दूसरा, हमारा रोल मॉडल कौन है? हमारा रोल मॉडल बन गया मजहबी रहनुमा। आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, हमारे इतने चैनल हैं,
लेकिन उस चैनल पे कोई ठीक एक एंकर नहीं होता जिसको व्यूवर्स भी नहीं बोलना आता और वो जो है बैठा हुआ है, और जो आपके चैनल्स हैं उसमें कभी भी सामाजिक सियासी और कोई ऐसे प्रोग्राम कम्युनिटी के हवाले से नहीं किए जाते जो बंदा एक्सपर्ट होता है। वो चंद लोग बैठे हैं, वो ही अपनी बातें कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि ठीक है। और इस हवाले से मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोगों ने कोई वो एक नहीं पकड़ी हुई कि सिर्फ एक कम्युनिटी को लिया और चंद लोगों को लिया, हर हफ्ते वही आते हैं और आपके मौजूदात और ये सारी चीजें डिफरेंट होती हैं, विच इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव। दूसरा ये है कि हमारे जो एक और चीज है वो गुर्बत सिर्फ हमारी माली नहीं है, हम गुर्बत की बार बार, हमारी शनाख्त की भी गुर्बत है, हमारी समाजी गुर्बत भी है, हमारी नफ्सियाती गुर्बत भी है, हम कहीं ना कहीं किरदार के भी भूखे हैं, हम कहीं ना कहीं रूहानी, ये सारी चीजें हमारे अंदर जब नहीं होती तो हम ये भूल जाते हैं कि ये सारी चीजें मैटर करती हैं। आप ये देख लें कि अगर ये कोई एक मुस्तनद प्लेटफॉर्म हो, उसको किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, तो शायद बहुत सारे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। और जो आप बात बार हम चर्च की कर रहे हैं, चर्च एक तो विल पावर नहीं है और दूसरा वो चाहते भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जो ले मैन आएगा वो उनसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। ले पीपल विमेन भी हैं, ले पीपल होंगे जो वो ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि वो काम की क्रेडिबिलिटी पे आएंगे और वो कभी हायर नहीं करना चाहते। मैं खुद इसकी मिसाल हूँ, मैं कहना नहीं चाहता, आपको पता है इस पूरी कोऑर्डिनेशन जो हमारी कमिटीज बनी है, मैं कहीं पे भी नहीं हूँ, हालांकि सबको पता है कि हम इस केस को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। रीजन क्या है कि आपको इर्द गिर्द लोग ऐसे चाहिए जो आपकी वाहवा करें, आपको जो है शाबाश दें और आपको इस तरह के कहना सब ठीक है, और वो जो अमाउस नबी की, मेरा तो जस्टिस से बात करें, सबसे बेहतरीन पसंदीदा उसकी है जस्टिस की बात, वो तुम्हारे तो नबी और हर वक्त कहते हैं जी सब ठीक है, जी ठीक है। ठीक उन लोगों के लिए है जो सेटअप में बैठे हुए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बैठे हुए हैं, जिनके पेट भर रहे हैं, जिनकी इस कोविड में सैलरियां आ रही थी, जिनको जो है वो सारे बेनिफिट मिल रहे थे। ठीक उनके लिए नहीं है जिनके बेचारे घरों में चूल्हे नहीं जल रहे, जिनके जो है वो घरों पर राशन नहीं है, जिनके घरों पर किराए का बोझ है। ठीक उनके लिए नहीं है जिनको पता है कि उनकी बेटी के साथ कुछ हो गया तो माशरे और रिश्तेदारों ने सपोर्ट करने की बजाय ताने मार रहे हैं। ठीक उनके लिए नहीं है जिनको पता है कि हमारा जो है कोई मसला या कोई हमारी जो चीज अगर ये सामने आ गई तो कोई भी हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। हमें बाहर बहुत सारे शिकायत हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर घर को देखें कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। एजुकेशन है, हम अपने बच्चों को CSS के लिए तैयार करें, CA के लिए तैयार करें, इंजीनियरिंग के लिए तैयार करें, वकीलों के लिए तैयार करें। आपके पास वकील नहीं है, पता नहीं कितनी कम तादाद है, और हैं तो अच्छे कम्पेटिटिव क्वालिफाइड वकील नहीं है। आपके पास सहाफी नहीं है, आपके पास तजिया नगार नहीं है, आपके पास सिर्फ हैं तो सोशल एक्टिविस्ट और मजहबी रहनुमा। दिस वॉन्ट वर्क एनी मोर। जब आपके पास बिजनेस नहीं है जो इस तरह के नौजवानों को, शॉर्ट एंटरप्राइजर को, बिजनेस को, छोटे एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट कर सके, छोटे बच्चों को जो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके, तो जब इस तरह की चीजें हम नहीं करेंगे तो फिर जो है वो इश्यूज हो जाएंगे और बहुत सारे मसले होंगे जिनकी वजह से हम शायद नहीं करेंगे। और फाइनली के हमें अपने अपने घरों को, अगर मैं खुद इस चीज़ को समझता हूँ, मैं अपने घर में अपनी बहन को पढ़ाता हूँ, अपनी बेटी को पढ़ाता हूँ, अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों में एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाता हूँ, तो शायद मैं उस जिम्मेदारी, इस वक्त कौम की बेटी की सबको फिक्र है, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि हम अपने अपने घरों में, ठीक है। मुकद्दसा ट्रीजा, मैं एक फाइनल इसके साथ खत्म करूंगा। मुकद्दसा ट्रीजा से किसी सहाफी ने पूछा कि मैं आपके साथ जो है वो काम करना चाहता हूँ, आपकी तरह जो है वो लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ। तो मुकद्दसा ट्रीजा ने पूछा, आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल है। तो उन्होंने कहा कि आप जो है वो जाकर अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करें। उन्होंने कहा नहीं, मैं फिर भी करना चाहता हूँ आपके साथ का। उन्होंने कहा नहीं, अगर आपने अपने बच्चों की तरबियत कर दी तो आप दुनिया में से बहुत सारे ऐसे लोगों में कमी कर देंगे जो कि बुराई फैला रहे हैं, जो कि बुराई को फरोग देते हैं। अगर आप अच्छाई फैलाना चाहते हैं, बहुत सारी है अच्छाई, तो आप अपने घर से इनिशिएट करें, आप अपने घर को ठीक करें, एजुकेट करें, स्ट्रॉन्ग करें, सोसाइटी ऑटोमेटिकली बेहतर होगी, आप बेहतर होंगे, आपकी कम्युनिटी बेहतर होगी, आपका माशरा बेहतर होगा। हम क्यों भूल जाते हैं कि हमें मर्दों को एजुकेट करना है? मर्द जब एजुकेट इस सोसाइटी में नहीं होंगे, वो कैसे औरत का तहफ्फुज करेंगे? वहां बहुत कम मर्द खड़े होंगे औरतों के लिए जब उनके साथ इस तरह की चीज होगी, तो वो जब घर से मिलेगी ऐसा करने के काबिल होंगे। थैंक यू वेरी मच। जी जी अयाज, बहुत शुक्रिया आपका। नौरीन, आपने मशवरा जा सुने अयाज के भी, और मैं समझता हूँ बाकी भी जो पैनलिस्ट हैं,
आप जो है इसको किस तरह देखते हैं कि आज आपका मैसेज जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगा? एक मिनट आपके पास है। एक मिनट, ओके गुड। सबसे पहले तो मैं कहती हूँ रियासत की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मिनोरिटी राइट्स की जो तहफ़ुज़ की बात की गई है 36 आर्टिकल में, प्रोटेक्शन ऑफ मिनोरिटी राइट्स, उसको हर हाल में, और जो अदारे हैं, अदालती निज़ाम है और वो अदारे जो फलाह के लिए काम करते हैं, उनको बग़ैर किसी तासुब के, बग़ैर किसी तफरीक के, हर जो भी नेशनल है इस मुल्क का, वो मर्द है, औरत है, मुसलमान है, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, उसको इंसाफ और उसकी इंसानी अजमत को बरकरार रखा जाए। पाकिस्तान में चर्च का एक बहुत बड़ा किरदार है अपनी कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करने में। चर्च की अप्रोच जो है वो होलिस्टिक होनी चाहिए। अब सिर्फ गुनाहों से माफी की जरूरत नहीं है, समाज के अंदर जो गुनाह पल रहे हैं उनसे भी इंसान को माफी की जरूरत है। और मैं देखती हूँ कि अगर हम सब मिलजुल कर अपनी कम्युनिटी के अंदर, जैसे अयाज ने कहा, वकील हैं, इंसानी हकूक पे काम करते हैं, हम मजहबी रहनुमा हैं, हम घर घर में एक माँ या एक बाप का फरीजा अंजाम दे रहे हैं, तो हमें ऐसे नौजवान पैदा करने हैं, मिलजुल कर कोशिश करनी है जो रूहानी तौर पर बालिग हो, मौशी तौर पर मुस्तहकम हो, समाजी तौर पर तरक्की पसंद हो और सियासी तौर पर मुतहरिक हो। तो तभी हमारा जो ख्वाब है, हमारी रोया है कि इस मौशरे में हर इंसान की जो अजमत है वो बरकरार रहे, हर इंसान जो है वो बिला तफरीक बराबरी की सतह पर उसको देखा जाए और हर बशर जो है वो आज़ादी के साथ अपनी जिंदगी जिए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया नौरीन। फैसल, इन वन मिनट आपने मैसेज जो है वो कंक्लूडिंग मैसेज देना। जी जी जरूर। ऑस्कर वाइल्ड कहते हैं कि द नोट ऑफ द परफेक्ट पर्सनालिटी इज नॉट रिबेलियन बट पीस। आई थिंक हम सब पीस के ख्वाह हैं और हम चाहते हैं कि जिस भी सोसाइटी में हम सब रहें वो पीसफुल सोसाइटी हो, और उसकी जो बेसिस हैं वो यही हैं जो आज हम सब ने कलेक्टिवली कहा कि वो यही है कि जब अवेयरनेस होगी, एजुकेशन होगी, हर कोई अपनी जिम्मेदारी को समझेगा और अपने रोल को देखते हुए वो पूरी तरह से जस्टिस करेगा उसके साथ। और जहाँ पे हमने बात की मजदूरों की, तो ऑब्वियसली जो मजदूर अपनी मजदूरी सिंसियरली करते हैं डेफिनेटली उसका सिला भी मिलता है। तो यहाँ पे सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं जो बुलेट्स में मैं बताऊँगा कि अपनी कम्युनिटी को कि हमें इसको किस तरह से देखना है जो अभी इस तरह के रुझान हो रहे हैं। सबसे पहले हमने प्रिवेंशन पे काम करना है कि हम इस तरह के केसेस को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है, और हमारी जो सारी गुफ्तगु थी उसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स थे जिनको हम ले सकते हैं। सेकेंड प्रोटेक्शन है। अब प्रोटेक्शन कैसे करनी है वो पेरेंट्स बेहतर जानते हैं, इस तरह के वाकयात हो रहे हैं वो किस तरह से प्रोटेक्शन कर सकते हैं अपनी बच्चियों की और अपने बच्चों की भी, ईमानी लिहाज से, माशी लिहाज से और माशरती लिहाज से। थर्ड पॉइंट है रिकवरी एंड री इंटीग्रेशन। तो अब जैसे आरजू का केस है, अभी हम रिकवरी के उस फेज में हैं और उसको री इंटीग्रेशन के प्रोसेस में हमने लेके जाना है। और उसके बाद पार्टिसिपेशन है कि हम जो सोसाइटी के अंदर डिफरेंट पिलर्स बनाते हैं, हमने पार्टिसिपेट कैसे करना है, एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करना है। जैसे चर्च अगर कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करता, कम्युनिटी अगर हमारे जो फलाही अदारे हैं उनको सपोर्ट नहीं करती, तो जिसकी वजह से हम डिवाइड रहते हैं, हमारी फोर्स डिवाइड रहती। अगर हम मिलके काम करेंगे, पार्टनरशिप पे काम करेंगे, कोलैबोरेट करके काम करेंगे, तो मेरे ख्याल में हम ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। एंड लास्ट है मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन। तो अगर हम मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन, जैसे ये न्यूकैसल क्रिश्चियन नेटवर्क है, इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। हम प्रिवेंशन के टूल्स भी बता रहे हैं, प्रोटेक्शन की बात भी कर रहे हैं, रिकवरी एंड री इंटीग्रेशन की बात भी कर रहे हैं, पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, वी आर पार्टिसिपेटिंग, और इसके बाद हम मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन की बात भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक तरीकेकार बनेगा जिसकी वजह से आज हम अपने नौजवानों को एक सही डायरेक्शन दे सकेंगे। और नौजवान की जो डेफिनेशन है वो 19 ईयर्स से 35 ईयर्स की ब्रैकेट में वो नौजवान जाते हैं। उससे छोटे जो उनके सिबलिंग्स हैं, जो छोटे बहन भाई हैं, वो उनको गाहे बगाहे अच्छी बातें बता सकते हैं, उनके साथ डिस्कशंस कर सकते हैं कि अगर उनके उनके साथ कोई ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई उनको बहकार है, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। और अयाज की बात से मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ कि
पूरी कम्युनिटी के अंदर सब लोग बुरे नहीं है या सब लोग अच्छे नहीं है। हमें उन कल्प्रिट्स को पॉइंट आउट करना है और उनके खिलाफ आवाज उठानी है। ये नहीं कि हम एक भेड़ चाल की तरह सबके पीछे चलें या सबको ही कसूरवार ठहराएं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने कल्प्रिट्स को कैसे पहचाना। सो आज के इस सारे प्रोग्राम के हवाले से, इस प्रोग्राम की वसादत से, हम सब जो आज इस मौजू पे बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये जबरी मजहबी तब्दीली को रोका जाए। बहुत शुक्रिया फैसल अलियास। जी फैसल बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी आवाज भी अभी ब्रेक हो गई लेकिन आपका मैसेज जो है वो नाजरीन तक पहुंच चुका है। नाजरीन, जितने लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे थे, हम आपके मशकूर हैं, आपने प्रोग्राम देखा है और मुझे उम्मीद है बाद में भी बहुत सारे लोग जो है वो इन बातों को देखते हैं, क्योंकि जैसे ही हमारा प्रोग्राम चलता है हम देखते हैं कि एक घंटे दो बाद को 1000 तक व्यूअरशिप पहुंच जाती है, कभी 2000 तक। तो वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू जो आप लोग देखते हैं, और हमारा मकसद जो है इस चैनल का वो आगाही फैलाना है। और जैसे अयाज ने कहा कि बहुत डाइवर्स किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें समाजी भी हैं, माशरती, कुछ पॉलिटिकल लोगों भी हम लेके आते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि हमने अपने माशरे की इफलाह जो है वो मिलकर करनी है। तो मैं जो पैनलिस्ट हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी की तरफ से, जो हमारी पूरी टीम है उसकी तरफ से, नौरीन अख्तर का, फैसल अलियास का, उज़्मा पॉल साहिबा का और याद मोरिस का। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा आज तगड़ा पैनल था। मैम, आई एम सो हैप्पी कि आपने अपने अपने फील्ड में आप बहुत, आपका काम है और जो आपके मशवरा जाते हैं, जब भी आप आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और हम कोशिश करेंगे कि मुझे लगता है कि तिश्ना की जो है वो बाकी है, क्योंकि आपके जो मशवरा जाते हैं तो हम चाहेंगे कि एक बार फिर आपको दोबारा मौका देंगे किसी और मौजू पे बातचीत को जारी रखेंगे। जरूर। Thank you very much, Father Ji, and thank you, Samson Saab, and thank you, everybody. अभी जाइएगा नहीं, अभी क्लोज जो है कुछ कंक्लूड करने लगे। एक तो मैं जो कहूँगा, कुछ हमारे अंदर काफी सारी ऐसी बिदतें या कुछ ऐसी चीजें हैं, मतलब जैसे याद बता रहा था कि कोई तजजिया निगार नहीं, कोई सहाफी नहीं। फिर एक और फीडबैक आई कि चर्च और सियासत, पहले मैं इस तरफ जाऊं कि वकला नहीं है या तजजिया निगार सहाफी नहीं है। असल में कुछ लोग जारादारी उनकी जो अपने मैगजीन है या न्यूज़पेपर है वो किसी को आने नहीं ही देते, न्यू पोत को लाना ही नहीं चाहते, वो ही घिसे पटे, वो ओल्ड वो ही लिख रहे हैं, जगह नहीं बनाते, वो कैसे ट्रेंड होंगे। बहुत सारा आलमी है। वकला का गिला ये है कि हम है तो सही है लेकिन हमें अजमाया नहीं जाता, हमें हमारी जगह किसी और को ले लिया जाता है और हमें बिल्कुल नहीं दिया जाता। इसमें मैं एक आंसर का नाम लूं कि ये कुछ कहीं कहीं असासे कमतरी भी है कि शायद जहां पे एक गैर मसीह खड़ा हो सकता है वहां शायद हमारा जो क्रिश्चियन अपना वकला है, पैनल है बड़ा, वो नहीं खड़ा हो सकता। ये बैकड्रा है, इस पे काम करने की अच्छा जरूरत है। फिर जीसस क्राइस्ट की तालीम, सिर्फ उन्होंने सिर्फ जिंदगी की नहीं दिया उन्होंने कि सिर्फ आप ऐसे करो ऐसे करो, उन्होंने जो है उनकी अगर मौत हुई या स्लीप पर गए तो वो टकराए थे तसाली कुवतों के साथ, वो उन्होंने सोशल भी दिया, उन्होंने एक फिनांस, ये सारा उनके भरपूर एक तालीम में या उनके इस 3 साल दौर में शामिल रहा। फिर ये चर्च और सियासत की बात भी आई, और चर्च और सियासत जब फादर रूफन ने जगह लेने की कोशिश की तो चर्च को स्ट्रिक्ट होना पड़ा। आपको सबको पता है कि मानुएल जफर साहब को इन्होंने चर्च ने सपोर्ट किया, और उसका आप आगे देखो कि चर्च और सियासत, ये हमारे लोग ही कहते हैं कि चर्च का तल्लक सियासत से कतन नहीं होना चाहिए, चर्च को अपना काम करना चाहिए, सियासत को अपना करें, मतलब हर बंदे को अपनी जगह फिट होके ही काम करना चाहिए। और चूंकि फैसल हमारा यूथ एडवाइजर भी है, बड़े तमाम से बात कर रहा था कि हम ये कर रहे हैं, तो मैं अगर इनको रिपीट करूंगा चाहे टाइम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हम हर कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर जो है वो
प्रोग्राम में ख्वातीन आए, बच्चे आए, यूथ आए, वुकला आए, कोई भी हम मैटर, ये चूंकि इशू ऐसा था कि हमने एक सीरियल जो है वो शुरू की, जो परसों है वो ख्वातीन आएंगी, फिर वुकला आएंगे हमारे साथ, फिर जो है वो एक सिविल सोसाइटी में से आएंगे, तो ये एक अहम इशू को छोड़ के हमने ऐसे किया। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, अपने कीमती वक्त निकाला। मैं इनके साथ शुक्रिया जो है वो हमारे जावेद भट्टी साहब का बहुत ज़रूरी बनता है कि वो इसकी सारी प्रमोशन जो आप अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे हज़ारों में चला जाएगा यही हमारा प्रोग्राम, तो वो उसमें स्पेशल करते हैं। फिर मैं शकील डेवर जो ये सारा जितना भी नेटवर्क होता है आगे ले जाना करना, ये सब उसकी जिम्मेदारी होती है। तो आप सब ही A1 थे, सब ने ही A1 इंफॉर्मेशन और एनालिसिस किया। तो जिंदाबाद आप सब पैनलिस्ट, जिंदाबाद। और नाजरीन जितने भी हमें सुन रहे हैं उनकी फीडबैक अगर इसी तरह रही, इसी तरह वो पसंद करते रहे, तो ये चैनल गालबन के इसको एक अच्छा जो है वो रुतबा या अच्छी जगह पैदा कर सकेगा, जो पैदा कर भी ली हुई है। तो बहुत शुक्रिया, खुदा आप सबका हामी व नासिर हो। हम सब जहां जहां भी हैं हम अपना एक फर्ज ड्यूटी समझ के काम करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।